दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी। आज दोस्तों 7 मई 2020 रात को 8 बजे फिजिक्स पंच के थर्ड वीडियो की शूटिंग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या है फिजिक्स पंच? हमने पूरी फिजिक्स के 20 टॉपिक बना रखे हैं, हर टॉपिक के 45 क्वेश्चन लिए हैं, जिनका वीडियो सॉल्यूशन आपको मई खत्म होते होते दिया जाएगा। मेरा कमिटमेंट है। आज का वीडियो 3x20, आज के वीडियो का नाम क्या है? 3x20। 20 में से कौन शूट कर रहे हैं? तीसरा। दोस्तों आज का टॉपिक क्या है आपके सामने? एनएलएम और फ्रिक्शन। 45 क्वेश्चन है। मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों 45 क्वेश्चन यदि एनएलएम और फ्रिक्शन के जो बिल्कुल एग्जाम बेस्ड हैं, यदि ढंग से सोल्ड अपन कर लें तो मैं नहीं मानता कि आप एग्जाम मात खाओगे। डियर 2013 से 2019 तक के फिजिक्स के प्रीवियस नीट के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन टॉपिक वाइज अपलोड कर चुके हैं। यहां दो वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं, तीसरा आज हो रहा है। केमिस्ट्री के 2013 से 19 के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं। कहां? सीएलसी सीकर हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके डियर, तो आज हम थर्ड 3/20 का मतलब 20 में से तीसरा टॉपिक का वीडियो स्टार्ट करें, एनएलएम और फ्रिक्शन। शुरू करें, आओ क्वेश्चन पढ़ो। क्या है? देखो दोस्तों, अगला साहब कहते हैं लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, कुल मास इतना है, टी इक्वल टू 11 सेकंड पे, यहां जब ये लिफ्ट है तो इसकी टेंशन क्या है? पहली बात तो देखो, स्पीड और टी के बीच ग्राफ है। पहले तो एक बेसिक फिजिक्स पे आओ फंडा। वी और टी के बीच जब ग्राफ होता है, कोई भी कर्व होता है, उसकी जो स्लोप होती है वो आप जानते हो दोस्तों, ए इक्वल टू होती है डीवी बाई डीटी, यानी वेलोसिटी को स्पीड, एक बात है, वेलोसिटी और टाइम के बीच जो कर्व है उसकी स्लोप है वो किसको बताती है? एक्सेलरेशन बताती है। बस आ जा, तेरे साथ हो जा, ये तेरा पी, ये तेरा क्यू, ये तेरा आर, ये तेरा एस। इसका अर्थ बताऊं क्या है? पी बिंदु लिफ्ट चली किधर? ऊपर की ओर। पहले 2 सेकंड लिफ्ट ऊपर जा रही है, स्लोप क्या है? पॉजिटिव, इसकी स्पीड त्वरित है। 2 सेकंड 10 सेकंड लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, 10 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक लिफ्ट रुक जाती है मंदित होते होते। पी से क्यू एक्सीलरेशन है, क्यू से आर ए जीरो है, और आर से एस रिटार्डेशन है, मंदन है, बट लिफ्ट हमेशा ऊपर की ओर जा रही है। कहने का मतलब लिफ्ट 12 सेकंड में नीचे से कहीं से भी चल के और जहां पहुंचना वहां पहुंच जाती है। बस अगला कहता है यहां पर इसमें बताओ टेंशन क्या है? देखो यहां अलग टेंशन होगी, यहां अलग टेंशन होगी, यहां अलग टेंशन होगी, ठीक है। अपन कॉमन बात कर ले सारे लोग, पूछा एक है, मैं आपको दोनों बताता हूं इसके। आ जाए डियर, अगला साफ कह रहा भाई, ये देख, रस्सी में टेंशन ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर। आप जानते हो दोस्तों ये त्वरित गति है, तो यहां सूडो फोर्स आएगा क्योंकि ये नॉन इनिशियल फ्रेम है, एक एडजेक्टिव फ्रेम है, इसमें सूडो फोर्स आएगा। दोस्तों सूडो फोर्स जो है वो हमेशा गति के विपरीत लगता है, और गति का मतलब त्वरित गति होती है। त्वरित गति है तो विपरीत हो गया, बट गति मंदित है तो उसके वो साथ हो गया। यहां दोस्तों गति क्या है? मंदित है, ऊपर जा रहा है, तो दोस्तों एम ए भी क्या लगेगा? ऊपर की ओर। रटा मत मारो, सूडो फोर्स तो क्या है? देखो एक होता है जड़त्वीय फ्रेम, इनिशियल फ्रेम, एक होती है नॉन इनिशियल फ्रेम। एडजेक्टिव फ्रेम वो होती है दोस्तों त्वरित है, त्वरित है, मंदित है। सूडो फोर्स हमेशा मूल मोमेंट का अपोज करता है, त्वरित गति का अपोज करता है, त्वरित गति के तो वो विपरीत लगता है, और गति रिटार्डिंग पोजीशन में है तो उसके वो साथ हो जाता है। तो आप देखो डियर, आर से एस की बात करूंगा ना तो टी भी ऊपर की ओर, एम भी ऊपर की ओर, एम जी किधर है? नीचे की ओर। क्लियर? बस तो तेरे सामने सामने हो गया टी प्लस एम ए इक्वल टू एम जी। दोस्तों टी इक्वल टू एम बाहर ले लूं, ये तेरा जी माइनस ए। अब ए क्या है रे? आजा, इस लाइन का ए क्या है निकाल ले यार। ए क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3/6। आधार कितना है? 2। ए क्या हो गया रे? 1.8। भूल गए क्या? स्पीड और टाइम के बीच के कर्व की स्लोप क्या होती है? 1.8। देख जी का मान क्या है? 9.8। एम क्या है? 1500। हेलो, एम क्या है? 1500। जी कितना है भाई? 9.8। ए कितना है? -1.8। ओके डियर, ये ले, ये 1500 मल्टीप्लाई 8, 15 × 120, 12000। हजार में आ गया ना, 12000 न्यूटन। इसमें क्या होगी भैया? टेंशन होगी। सुन, पूरा हो गया। यदि अगला तेरे से 0 से 2 सेकंड में बात पूछ लेता तो पता क्या करता? टी माइनस एम ए करता, टी माइनस एम ए। क्लियर? और यदि क्यू से आर पूछता तो एम ए है ही नहीं, टी इक्वल टू एम जी हो जाता। बोलो हाया ना, तीन क्वेश्चन प्रश्न कर लेने यार, इसलिए सॉल्यूशन फायदेमंद है। देखो पी से क्यू लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, त्वरित गति है, सूडो फोर्स आपके विपरीत लगेगा, एम जी भी ऊपर की ओर, एम ए भी, एम ए किधर होगा? नीचे की ओर।
एमजी नीचे की ओर, एम नीचे की ओर, टी ऊपर की ओर, यानी कहने का मतलब फिर समझ लो, ये आर से एस का है, ये मंदित का है, बाई चांस तेरे से पी से क्यू पूछ लेता तो दोस्तों फिर ये टी प्लस एम ए नहीं होता, टी माइनस एम ए हो जाता, और क्यू से आर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, फ्रेम क्या हो जाएगी, जड़ती हो जाएगी, सुडो फोर्स खत्म हो जाएगा, टी इक्वल टू एम जी। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर दो, देखो वैसे तो इस क्वेश्चन को देखते उत्तर याद होता है, ए इक्वल टू जी टेन अल्फा, और हकीकत है उत्तर याद रखना होता है, लेकिन अपने इसमें कंपोनेंट तोड़ेंगे थोड़े से, ठीक है डियर, आप क्वेश्चन पढ़ो। देखो ये कहता है एक ब्लॉक को अल्फा नति कोण वाले घर्षण रहित धरातल रखा गया है, नत्तल को त्रण ए चित्रानुसार इस प्रकार दिया जाता है कि ब्लॉक विराम अवस्था में रहे। देखो दोस्तों ये सिस्टम आपका इधर जा रहा है और ये ब्लॉक आपका विराम रहे, तो दोस्तों ब्लॉक विराम तभी रहेगा जब जितना इधर जितना फोर्स लग रहा उतना फोर्स उधर लगे। तो मैं इसके बनाता हूं तेरे को फोर्स कंपोनेंट, पेज खाली कर भाई, आप फोर्स कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, इसके बिना पार पड़ेगी नहीं। देखो डियर इधर आओ, ये एंगल क्या है अल्फा, देख डियर ये तेरा ब्लॉक रखा हुआ है, सबसे पहले इस ब्लॉक के कंपोनेंट बढ़ा ए, ठीक है, ये कौन है एन, क्यों भाई एन हमेशा क्या होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, एम जी हमेशा किधर होता है नीचे की ओर, ध्यान दे क्लास, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, ध्यान दे पूरी क्लास तेरे लिए बात कर रहा हूं, एम जी कोस अल्फा, ओके डियर, और ये तेरा क्या हो गया भाई एम जी साइन अल्फा। अब तेरा तू इसे मैं कलर चेंज कर दूं, अब तू कह रहा कि ये इधर ए फोर्स से जा रहा है तो इस पे एक सुडो फोर्स इधर लगेगा एम ए, बोल हाँ या ना, तेरे पले पड़ी क्या बात, हेलो दिस इज नो इन दिस फ्रेम, एजड़ते फ्रेम है, गति उधर कर रही है, शुडो उल्टा लगेगा, मंदित होता तो शुडो साथ लगता बहुत, बस अब तेरा ये दोस्तों क्या है ए से क्या हो गया एम ए, ठीक है डियर, अब तू इसकी बात करे तो इसके भी कंपोनेंट तोड़ दे तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा, कॉमन सेंस की बात है, लो कलर चेंज कर दो, हमें ये एंगल भी क्या होगा, नहीं सॉरी कलर ये रखना पड़ेगा इसका, ये एम ए कलर है, ये एंगल अल्फा तो ये कंपोनेंट क्या होगा रे, बोल बोल एम ए कोस अल्फा, और दोस्तों ये तो हो गया, और ये कंपोनेंट क्या होगा इसका, ये वाला कंपोनेंट एम ए साइन अल्फा, सीख ले बैठ से, मतलब कलर चेंज कर दिया बाकी सिस्टमेटिक। अब डियर इस ब्लॉक को विराम अवस्था में रखना है, ये ब्लॉक गिरे नहीं, ये ब्लॉक गिरे नहीं, इसका मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, ये मेरे काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन मंत्र निकाल दिए क्योंकि तेरे को आगे कहीं काम आ सकता है। तो पहली बात सुन ले रहे, एन इक्वल टू तो क्या है एम ए साइन अल्फा प्लस एम जी कोस अल्फा, बोलो सर एम ए, बोलो भाई एम ए साइन अल्फा प्लस एम जी कोस अल्फा, बेरेस कंडीशन है, लेकिन मुझे इसका आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो ब्लॉक मूव नहीं करे, तो जितना नीचे की ओर अच्छा फ्रिक्शन लेस है, कास्ट इस फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन ऊपर को लग जाता रहे, रखना म्यू एम जी कोस थीटा एक और लग जाता, उसकी बात नहीं करेंगे, फ्रिक्शन लेस है, बस दोनों को बैलेंस कर दे भाई, तेरे लिए कलर चेंज कर दे, तो ए एम जी साइन अल्फा इक्वल टू एम ए कोस अल्फा, एम ए एम ए कैंसिल आउट कर दे, तेरे को ए निकालना है तो ए क्या हो गया ए जी साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ये ले बीड़ू ए इक्वल टू जी टेन अल्फा। अब बता तेरे को क्या दिक्कत है, देख ले एक बार, देख ले पूरा, रोक ले पोज करके देख ले, क्लियर, ओके थैंक यू। दोस्तों यहां देखो इस टॉपिक में सारा खेल कंपोनेंट का है, लो मैं आपको एक शानदार सा बताता हूं कंपोनेंट, आ जाओ, कोई वस्तु दोस्तों ऊपर या नीचे मूव करती है कौन लगता है जी, अब यदि इसी वस्तु को मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पे थीटा पे मूव कराऊं तो याद रखो यहां ए रिप्लेस बाय जी साइन थीटा, याद रखना पड़ेगा भाई, खुद देख लेना यार, प्लेन को वैसे कर दे एंटी हो गया, ए का मान जी हो गया, ये फ्रिक्शन लेस है, यदि डियर इसी प्लेन में मैं फ्रिक्शन कर दूं तो फ्रिक्शन आप जानते हो इसके हमेशा उल्टा लगता है, तो यहां जो ए है ओ लड़के मेरे साथ हो जा रहा है वो है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, ये ले चौथी कोई संभावना नहीं है, ए इक्वल टू जी है, ए बोलते रिजल्टेंट, ये ए इक्वल टू जी साइन थीटा है, वो ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा है, यदि फ्रिक्शन जीरो है तो म्यू का मान जीरो कर दो, बोलो हाँ या ना, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन,
यहां भी इस क्वेश्चन के साथ एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको मैं, आप क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। देखो पढ़ लिया, पोज करके पढ़ना तो क्वेश्चन तो आ जाओ। देखो दोस्तों ये कोई स्प्रिंग है, ये 2 mm, ये सारा अगला साफ कहता है कि साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था का मतलब दोस्तों ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। अपन इसको इस तरह बना सकते हैं, देखो अपन इसको इस तरह बना सकते हैं 2m और ये आपका m, ठीक है भाई। अब हम देखें तो डियर अपन आप देखो कि ऊपर कितना फोर्स लग रहा है t, इस पे देखो 2mg भी किधर लगेगा नीचे की ओर, और ये mg भी किधर लग रहा है नीचे की ओर, क्लियर। तो हकीकत में इस पे t की वैल्यू क्या है 3mg। अब आप एक बात देखो, मैं एक चीज समझाऊं पहले आपको, एक बात देखना ध्यान से, किसी बॉडी पे यहां मैं फोर्स लगा रहा हूं 3 न्यूटन, यहां लगाऊं मैं 2 न्यूटन और इधर से मैं लगाऊं 5 न्यूटन, समझना। यदि मैं 2 न्यूटन को उठा दूं तो प्रजनन कितना बचता है 2 ही बचता है। तो दोस्तों यहां भी वही चीज है, यदि मैं इस एम को काट दूं तो एमजी उठा दूं तो उस रिजल्टेंट पे कितना बचेगा एमजी, किस पे 2m पर। बस डियर तो 2ma इक्वल टू एम जी, एम एम कैंसिल आउट, ए इक्वल टू जी बाई टू, ए इक्वल टू जी बाई टू। और दूसरा तो कॉमन सेंस की बात है, जिसको काट दिया तो दोस्तों नीचे गिर रही, खुल के गिरती है, खुल के वो चीज गिरती है, किसमें जी में गिरती है। प्लीज ये समझ लो बहुत काम कर रहा है, ये मास्टर पड्डा है 3, 2, 5, 5, जिसको काटते हो ना वो ही बसता रिजल्टेंट। सुनने में बड़ा जो लगता है, जितना अठाओगे ना उतना रिजल्टेंट बसता, कब है जब पहले आपकी बॉडी किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, साम्य अवस्था में हो। ओके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम आया क्वेश्चन है भैया ये, और हर गाइड मिलेगा तेरे को, हर किताब में, हर बुक में मिलेगा ये। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पढ़ो क्या है दोस्तों। एफ और टी के बीच कर्व है, मैं एक बात जानता हूं दोस्तों, कर्व को तो आप फुटबॉल बना लो यार, एफ अपॉन डीपी बाई डीटी। दोस्तों मुझे डीपी का मतलब होता है एफ मल्टीप्लाई डीटी, आप इसको ऐसे इंडिकेट कर दो, कौन बना करता है लो। इसका मतलब ये है, इनके द्वारा कवर्ड एरिया जो है ना वो किसके बराबर है डीपी के बराबर है, सीधी सी बात है। इस कर्व का कवर्ड एरिया किसके बराबर है डीपी के बराबर है, जरा एक बार इसको खाली करना। तो दोस्तों हमने क्या कहा, हमने कहा डीपी इक्वल टू एफ डीटी, और आपका जो कर्व है वो ऐसा है, मैं बढ़ा दूं आपके हाथ से, वो कर्व ऐसा है दोस्तों, इधर वो टी देता है और इधर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है एफ नोट, दिखाना एक मिनट, देख लो देख लो, टी है और एफ नोट है, वापस आ जाओ। ओके डियर वो एफ नोट है टी है बस। अब डीपी क्या होता है, एम यू फाइनल माइनस एम यू इनिशियल, इसका दोस्तों एरिया कहां से कहां, टी वन से टी टू, कहने का मतलब है आपको इसका एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये क्या है हेमी सर्कल, तो उसका आधा एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई टू। बट यहां एक सुंदरता है, यहां दोस्तों आर एक्स और आर वाई करना पड़ेगा आपको इसमें, क्यों एक्स पे टी है और वाई पे एफ है, क्योंकि एक्चुअल में हेमी सर्किल की वजह थोड़ा सा डिस्टर्ब है बस। ओके डियर तो आप इसको ऐसे कह सकते हो पाई आर एक्स की क्या आ जाएगा टी बाई टू, क्योंकि टी तो वहां से वहां तक है ना टी बाई टू, और आर वाई क्या हो गया एफ नोट। ये तेरा क्या है यूनिशियल जीरो, यू फाइनल, यू फाइनल क्या आएगा डियर तेरा यू, तो तेरा ये एम यू इक्वल टू पाई टी एफ नोट अपॉन टू, और टी का आधा आएगा एक दो पहले से है इसके ऊपर, ठीक है ना। बस अब तेरे सामने सामने क्वेश्चन बन गया भैया, अब तो इसका आंसर निकाल दे, तेरे को यू चाहिए तो यू क्या है एफ नोट टी पाई अपॉन 4m, आंसर निकालना बेटा ए इरा पाई एफ नोट टी 4m। ध्यान दे क्लास, लो जी क्या काम आया, एफ और टी का कवर्ड एरिया है वो dp के इक्वल होता है बस। फिर वैल्यू पुट कर ले, फिर पाई आर स्क्वायर हाफ कर दिया, फिर आर अक्ष इधर लेना पड़ेगा, आर वाई इधर लेना पड़ेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू देख के करना पड़ा मेरे को। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दो पुली के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन के डायग्राम को पहले मैं कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। देखो इस पुली में ये पुली ऊपर बंधी हुई है, ये दोनों पुली बंधी हुई है, पुली बंधी हुई है इसका मतलब पुली मूव नहीं कर रही है, दूसरा पुली मासलेस है फ्रिक्शनलेस है। तो इन प्रश्नों में टी और ए दोनों क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है जी, टी और ए चेंज नहीं हो सकते। आप सातवें छठे क्वेश्चन का डायग्राम देखो, छठे देखो क्वेश्चन दोस्तों, ये पुली बंधी हुई नहीं है, ये पुली ऊपर मूव करती है, तो टी तो सेम रहेगा
पर दोस्तों ए इन प्रश्नों में अलग अलग हो जाएगा, बॉडी बी का ए अलग होगा और बॉडी ए का वे अलग होगा। बात पकड़वा रही आपके, ये कॉमन बात कर दी आपसे मैंने। हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे पुली का बेसिक नीट में इतना आता भाई, अरे नीट में तो वो आता है यार, ए इक्वल टू एम वन माइनस एम टू बटे एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई जी, नीट में तो पक्का पकाया है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। तो मैंने 5 और 6 में आपको पुली पे एक बात बताई। अब इस क्वेश्चन में आओ, देखो इस क्वेश्चन का अर्थ बताऊं क्या है। इस क्वेश्चन का अर्थ है कि ये कोई मास रखा हुआ है और इस आदमी को इसको उठाना है, यहां एक पुली से उठा रहा है, यहां ये दो पुली से उठा रहा है। कॉमन सेंस की बात है, पुलियां लगती इसीलिए है भाई कि आपको वर्क कम करना पड़े। तो सीधी सी बात है, यहां वर्क कम है, यहां वर्क अधिक है, तो वर्क अधिक है तो फोर्स भी अधिक होगा। तो कहता अधिक बल कहां लगाना पड़ेगा, तो दोस्तों फिगर फर्स्ट में आपको अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर, ये एग्जाम की बात तो हो गई, इसको सोल्व भी करते हैं। एक कॉमन सेंस लगाओ, पुली जितनी ज्यादा होती है उतने दोस्तों सिस्टम स्मूथ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की पूरी बात होगी, आंसर बता दिया, फिर भी मैं पूरा सोल्व करूंगा क्योंकि पुली पे प्रश्न बन जाता है। देखो डियर, सिंपल प्रश्न है। देखो एक बंदा है, इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये टी फोर्स बोल दो, इसको एमजी उठाना है, दिमाग की जरूरत ही नहीं। देखो एक, देखो यार एक रस्से खींच रहा है, तो इस यहां पर टी कह दो, आ जाओ टी इक्वल टू क्या हो गया एमजी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो, यहां टी है तो ये भी टी, ये भी टी, ये क्या हो गया रे 2t, इसको टी डैश कह दो एक बार, तो ये टी डैश क्या हो गया 2t इक्वल टू क्या है भैया एमजी। तो यहां दोस्तों टी किसके बराबर है, एमजी बाई 2 के बराबर है। जहां वहां टी लग रहा था, यहां इसका आधा लग रहा है, समझ रहे हो, कॉमन सेंस की बात है। वैसे फिर सुन लो, पुली जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी उतने हमें बल काम कम करना पड़ेगा। पुली बढ़ती इसीलिए है ताकि मैनुअल वर्क आदमी को काम कम करना पड़े। ओके थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो दोस्तों, पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। अगला कहता है एक लिफ्ट है जो चित्र अनुसार किस त्वरण से एक गति कराएं कि द्रव्यमान एम फर्श पे एमजी बाई 4 बल आरोपित करे। देखो दोस्तों लिफ्ट किधर आ रही है, नीचे की ओर, सीधी सी बात है आपका एमजी किधर होगा, नीचे की ओर, कहने की बात ही नहीं, लिफ्ट आपकी नीचे की ओर आ रही है, एमजी किधर होगा, नीचे की ओर। तो इसका कलर चेंज कर लो, इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ऊपर की ओर, ठीक है डियर। आर किधर है, ऊपर की ओर, एमजी किधर है, नीचे की ओर, गति किधर है, नीचे की ओर, शूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, क्लियर, शूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर। तो डियर तेरा क्या हो गया, आर प्लस एम ए इक्वल टू एमजी, ठीक है डियर। आर कितना है, आर कितना है एमजी बाई 4, आर कितना करा अगला एमजी बाई 4, तो आर है एमजी बाई 4 प्लस एम ए इक्वल टू एम जी। ए को इधर रखे, एक में से 1/4 घटा, 3/4 बचेगा, ए इक्वल टू 3mg/4, क्लियर। फिर सुन ले, लिफ्ट किधर जा रही है, नीचे की ओर, शूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, आर किधर है, आर तो में से किधर होता है एक्शन का, आर ऊपर की ओर, एम ए ऊपर की ओर, एम जी नीचे की ओर, आर कितना हम जानते हैं, mg/4, क्लियर। ये क्वेश्चन है मेडिकल माने, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बड़ा एग्जाम आता है ना भैया, बस सुन पढ़ ले। 250 ग्राम की गेंद बल्ले से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है, इतने सेकंड में समान वेग से वापस लौटती है, गेंद द्वारा बल्ले पे आरोपित बल बीड़ो एफ इक्वल टू dp/dt, आया ना, एफ इक्वल टू dp/dt, बस डीपी क्या होता है, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल बटे टी। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराई दोस्तों, टकरा के वापस गई, तो आने का वेग +10 है, जाने का वेग -10 है। देखा जाए, सुन लो रे, जब कोई वस्तु टकरा के वापस मुड़ जाती है, 180 पे आती है, तो भैया जो आपका वेक्टर होता है उसका चेंज हमेशा क्या होता है, 2r होता है। तो इसको मैं सीधा कर, तू कहे तो 2mu/t, याद कर ले इसको, कोई भी फिक्स है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी 180 पर घूम जाती है तो दोस्तों उसका चेंज क्या होता है, 2r, क्लियर। बस 2 m बोले तो 250 ग्राम, 250 ग्राम में 1000 का भाग दे ले यार, किलो बना ले, देखिए। t बोले तो 0.01 सेकंड, u बोले तो 10, देख लड़के तेरे सामने सामने है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 4, ये दो बिंदु ऊपर लेके चला जाता रहा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया दोस्तों 500 न्यूटन। ये ले आंसर क्या हो गया, 500। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर देखो 9,
ये पुली की एक ठीक सी प्रॉब्लम एग्जाम बन सकती है। देखो डियर, सबसे पहले तो ये कहता है कि चित्र में दिखाए अनुसार पी तथा क्यू रस्सी की सहायता से जोड़े गए हैं, पी क्यू के मध्य रस्सी का तनाव बताओ, यहां आपको तनाव चाहिए। देखो सबसे पहले आप सिस्टम क्या निकालो डियर, ए निकालो, क्योंकि एक सिस्टम में कभी ए दो नहीं हो सकते, ये ध्यान सुन लेना, कब तक, जब तक पुली मूव नहीं करे, तो यहां पुली मूव नहीं कर रही है। ओके याद है क्या, ए इक्वल टू एम वन माइनस एम टू, अरे भाई ओवरऑल सिस्टम किधर जा रहा है, इधर जाएगा ना यार, इधर आठ बड़ा है इधर सात है, तो कॉमन सेंस की बात है, जब आप मास से लटक जाएगी पुली, तो दोस्तों ए इक्वल टू क्या आएगा, एट माइनस सेवन, एट प्लस सेवन मल्टी हो गया ना यार, पांच दो सात मान लो एक बार कॉमन इसको, तो ए इक्वल टू दोस्तों क्या आ गया, जी बाई 15। अब आपको कहता है कि टी पे तनाव, अब पी और क्यू के बीच तनाव चाहिए, मैं थोड़ा कलर चेंज करते लिए, देख यहां देख, तेरे को यहां टेंशन चाहिए, देख यहां तो ऐसा कर, ये तेरा कोण है टी, ये तेरा कोण है टी, ये कोण हो गया टी डैश, ओवरऑल सिस्टम कितना जा रहा है ऊपर की ओर, तो टी डैश माइनस एम जी, एम कितना टू, टू जी इक्वल टू कितना भाई टू है, सीधी सी बात है यार, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो मैंने एम को दो से रिप्लेस कर दिया, तू कह पूरी बात लिख दू, तो तेरे सामने सामने टी डैश का मान क्या आ गया, दो बाहर ले ले जी प्लस ए, अब तो कर रहे यार ये दो जी प्लस जी बाई 15, ये 16 32 बटे 15 हो गया दोस्तों, आंसर फोर्थ आ गया। फिर सुन ले, इसमें ए नहीं बदलेगा, लेकिन मास आते ही आप जानते हो तनाव चेंज हो जाता है, पुली मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ए चेंज नहीं होगा, दो ही बातें इसमें, जैसे देखो याद करो अपने कैपेसिटर पढ़ते हैं ना, तो कैपेसिटर दो बहुत बड़ी बातें हैं, कि जब तक बैटरी लगी होती है तब तक विभव समान होता है, बैटरी हटा देते हैं तो चार्ज समान हो जाता है, बैटरी लगी हुई हो तो पोटेंशियल सेम होता है, बैटरी हटा दो तो चार्ज सेम, उसके साथ पूरा कैपेसिटर, बस वो यहां है, पुली फिक्स है तो दोस्तों उस सिस्टम के दो ए नहीं हो सकते, पुली मूवेबल है तो ए भी चेंज हो जाएगी, रस्सी में जब तक मास नहीं आता तब तक टी चेंज नहीं होता है, क्लियर, ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, पता नहीं आज मैं 7 मई को इसको शूट कर रहा हूं, 7 मई 2020 को, ये 26 जुलाई 2020 को आ सकता है, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है मेरे को। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है पुली वाला, ये पता हूं स्टार्ट यहां से होता है, इसका सिंपल क्वेश्चन ये है कि ये कोई पुली यहां बंधी हुई हो और एक मास एम इधर लटका हुआ हो, एक मास एम इधर लटका हुआ हो, ये एम वन है ये एम टू है, इधर मान लो मूव करे तो इसका ए बन जाता है, याद करो एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई जीरो, और इधर मूव करेगा तो एम बड़ा द्रव्यमान माइनस छोटा द्रव्यमान, ये इसका ए हो गया। अब इसने इसको ऐसे झुका दिया, याद कर रहे, झुकते ही जी क्या बन जाता, जी साइन थीटा, बस कुछ नहीं करना, जी कन्वर्ट इनटू जी साइन थीटा, मैं इसको मिटा दूं तेरे लिए, तो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला है ए इक्वल टू, सिस्टम किधर जा रहा है इस तरफ, तो खुद देख तू, टू एम जी साइन 30 माइनस एम जी साइन थीटा अपोन 3m, बोल हाया ना, बस जी का ए का मान क्या दिया है जी बाई 6, ये ले बच्चे ये तेरा जी बाई 6, साइन 30 क्या होता है 1/2, ये तेरा एम जी, एम जी बाहर कॉमन निकाल ले 1 माइनस, सीधा कर सकता हूं यार, इतना कर लेगा, दिस इज 3m, एम से एम कैंसिल आउट, जी से जी कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, हाफ इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, इधर ले साइन थीटा इक्वल टू हाफ, कितनी वैल्यू आ गई दोस्तों 30 डिग्री, ये तेरा आंसर आ गया, ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ये FBD का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो बॉडी के बीच रस्सी बंधी हुई हो या दो बॉडी कॉन्टेक्ट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कब, जब आपकी रस्सी मासलेस हो, एक ही बात है, रस्सी का FBD बना लो चाहे इसका FBD बना लो, ऑलमोस्ट एक है, टेक्निकली गलत हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, बट एग्जाम टेक्निक से नहीं चलती है कई बार, हाँ बट शर्त है स्ट्रिंग है वो मासलेस होनी चाहिए। अब देखो ये एक बॉडी है, आप देख तो 7 किलो 5 किलो 6 का फोर्स लगाया, पहली बात आप जानते हो एक इस एक क्वेश्चन में दो ए नहीं होते हैं, याद है ना, एक ट्रेन में 10 डब्बे हैं, ध्यान दो एक ट्रेन में 10 डब्बे हैं, इंजन की स्पीड धीरे हो या तेज हो, त्वरित हो या मंदित हो, सभी के सभी डब्बों का त्वरण एक साथ त्वरित होगा एक साथ मंदित होगा, चाहे कोई डब्बा खाली हो चाहे कोई डब्बा भरा हुआ हो, वजन का ए से कोई सिस्टम नहीं है, कब, ओवरऑल जब निकालते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन में ए एक साथ निकालते हैं, टोटल मास कितना है 12, फोर्स कितना है 6, एफ इक्वल टू एम ए, बोलो हाँ है ना, बोलो बोलो भाई, तो ए इक्वल टू एफ बाई एम का मतलब 6/12, दोस्तों ए का मान आ गया 1/2, बोलो हाँ है ना,
ठीक। अब मैं इसकी आपके लिए एफबीडी बढ़ा दूं, मैं एफबीडी बढ़ाता हूं तो मेरे कॉन्सेप्ट से ए ये लो जी, इस पे एक इधर फोर्स, एक इधर फोर्स, क्लियर। बस ये टोटल फोर्स कितना तेरा 6 न्यूटन। अब जितना इस पे इधर है उतना इस पे इधर है, तो उसको तो ऐसा कर एफ डैश कह दे। तो व्हाट इज एफ डैश, व्हाट इज एफ डैश, एम मल्टीप्लाई ए, एम कितना है 5, ए कितना है 1/2, आंसर क्या आ गया 2.5 न्यूटन। यानी ये जो तेरी बॉडी है ना यार, इस पे 6 तो लग रहा उधर से, 2.5 लग रहा इधर से, कितना लगा 3.5। तो कहने का मतलब है 6 इस पे लग रहा 3.5 धांधे क्लास, और इस पे कितना लग रहा है 2.5, राइट। ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक बात और बताऊं तेरे को मैं, एफ इक्वल टू एम ए, ए तो कॉन्स्टेंट है, एफ एम के रेशियो में चेंज हो गया, एफ एम के रेशियो में चेंज हो गया दोस्तों। तो आप जानते हो एक मास 7 kg है, एक 5 kg है, 7:5 में 6 को डिवाइड करना है, 7:5 में 6 को डिवाइड करना है। तो आप जानते हो कैसे करते हैं, वो हिस्सा मल्टीप्लाई जोड़, किसको चेंज करना है 6 को, कितना आ गया रहे 3.5। हेलो, ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12 आ जा भैया, बड़ा मस्त क्वेश्चन है वो, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। देखो क्या कहते, एक मशीन गन है, क्वेश्चन पढ़ ले पहले, पूरा पढ़ लिया। 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 1000 मीटर पर सेकंड वेग से दागते हैं, इस गन पे औसत बल इतना है, तो प्रति मिनट दागी की गोलियों की संख्या क्या है। देखो ध्यान दो दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है, 50 ग्राम की गोली इतने मीटर से आप कहीं दागते हो, दागते हो वहां क्या लगता है, एक फोर्स, ध्यान दो ना। अरे आप किसी को ऐसे पत्थर मारो यार तो फोर्स लगता है ना, तो आप कहते हो कि इतना फोर्स लग रहा है, तो वो कहता है कि कितनी गोलियां दागें कि 200 का फोर्स हो जाए। तो डियर इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में इसको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डीपी तो एम ही लेंगे ना, बट वो कितनी, वो कितनी बार चेंज हुआ, एन बार, कितने हैं मोमेंटम, एन है ना, तो एन होगा इसे, बस इतना करना है दोस्तों। एफ का मान 200, एन का मान क्या है निकालना है, डीपी क्या होता है एमबी, हेलो डीपी क्या होता है एमबी, एम तेरा 50 मल्टीप्लाई 10^-3, वी कितना तेरा 1000, ओके डियर, और ये क्या प्रति सेकंड, प्रति मिनट, सॉरी प्रति मिनट है, किसका भाग दे दे 60 का भाग दे दे, क्योंकि मिनट तो बात होता ही नहीं है कोई। अब तो देख ये 10^3, ये 10^3 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ओके डियर, ये कितना हो गया तेरा 40, 6 × 24 240 गोली आ गई, ओके थैंक यू। हाँ डियर आप क्वेश्चन देखें, और शूडो फोर्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो लो पहले, आप सब पेटली बात समझो, एक रस्सी ऊपर से बंधी हुई है और एक आदमी नीचे आ रहा है, तो दोस्तों नीचे आ रहा तो रस्सी का टेंशन किधर है ऊपर की ओर, आदमी किधर आ रहा है नीचे की ओर, तो शूडो भी किधर है ऊपर की ओर, उनको बैलेंस करना, क्योंकि रस्सी टूटनी नीचे, तो टी भी किधर ऊपर की ओर, शूडो फोर्स भी किधर ऊपर की ओर, एम जी किधर होता है नीचे की ओर, टी कितना अगला खुद कह रहा 3/4 एम जी प्लस एम ए इक्वल टू एम जी। दोस्तों ये उधर जाएगा तो 1/4 बचेगा, एम से एम कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ गया 3/4, क्लियर, ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो एक मतलब बेसिक क्वेश्चन है, फिजिक्स की लगती नहीं है तो हमारे अनपढ़ आदमी कर सकता है इसका, तो क्या कहता है तेरे सामने सुन ले, क्वेश्चन पढ़ लिया। रेल के 80 डिब्बे हैं, ठीक है, प्रत्येक का इतना मास है, इंजन इतना बल लगा रहा है, तो 30वें व 31वें डिब्बे के बीच संधि में तनाव क्या होगा। ध्यान देना ये इंजन है, ये 80 डिब्बे बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं, 30वां डिब्बा इधर और 31वां, 30 इधर आ गया, तो 30वें और 31वें के बीच जो भी साफ्ट है वो किसको खींच रही है, 50 डिब्बे खींच रही है, हेलो कितने खींच रही है 50, ओके टी इक्वल टू एम गुणा ए, 50 m × a, सीधी सी बात है, एक डब्बे का मास कितना है m, तो कितने डब्बे खींच रहा वो 50। अब a चाहिए तो a आपको पहले कह दिया पूरे सिस्टम का a की होता है, तो वो a क्या होगा, a क्या होगा f बराबर m a, a बराबर f अपॉन m, इसको आप f डैश कह दो, इसको आप f डैश कह दो, ओके। तो व्हाट इज a, f, f अपॉन m, m कितना भाई 80 m, कुल डब्बे कितने हैं 80, बस डियर कलर चेंज कर तेरे लिए, आजा एफ डैश इक्वल टू 50 m मल्टीप्लाई एफ अपॉन 80 m, एम से एम इससे ये कैंसिल आउट है, तो एफ डैश, एफ कितना रहा पूरा 4 ×
10 की घात 5 मल्टीप्लाई 5/8, इसको इसे काट दे, ये तेरा 2.5, तो 2.5 गुणा 10 की घात 5, लेकिन 4 हो गए, एक ही बात है, 25 गुणा 10 की घात 4। इसमें एक ही बात याद रखनी है, देखो ये इंजन है 30 डिब्बे पे गए, 30वें डिब्बे के पीछे डिब्बे कितने हैं 50, तो ये जो साफ्ट किसको खींचेगी 50 डिब्बों को, तो यहां जो फोर्स है वो 50 एम गुणा ए, और ए किसका है, पूरी बॉडी का एक होता है, वो आपको साइड में एम ए निकाल दिया। ओके थैंक यू। ये दोस्तों आपका एक 15 क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगला कहता है साम्य अवस्था का आवश्यक गुण क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का आवश्यक गुण है दोस्तों फोर्स जीरो, सिंपल सी बात। इसके अलावा कोई दूसरा गुण दोस्तों हो ही नहीं सकता, और एफ इक्वल टू तू जानता डीपी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डीपी इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू जीरो और डीपी इक्वल टू जीरो, डीपी इक्वल टू का मतलब संवेग परिवर्तन जीरो। देखो त्वरण शून्य हो, अच्छा एक बात, एफ इक्वल टू एम ए, एफ जीरो कब होगा जब ए जीरो होगा, पहला संवेग का मान शून्य, ओ नो नो नो, मोमेंटम इक्वल जीरो नहीं, चेंज इन मोमेंटम जीरो, हेलो नॉट मोमेंटम। देखे इक्विलिब्रियम की एक ही परिभाषा भाई जी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, एफ इक्वल टू एम ए, एम तो जीरो होने से रहा, जब एम जीरो तो बॉडी कहां से हुई, तो एफ जीरो तो एम जी, ए जीरो हो गया, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, तो एफ जीरो या डीपी जीरो, यहां बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, मोमेंटम, अरे भाई मोमेंटम नहीं है यार, चेंज इन मोमेंटम जीरो है। ओके तो आपका इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, सेकेंड। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो क्या है, देख डियर पी दिया हुआ है, एफ पूछा है, बस दिमाग की जो पी मतलब मोमेंटम दिया हुआ है, एफ पूछा है, अरे भाई ओ लड़के, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, बोल बोल, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगला साहब कहता भाई किसके समानुपाती है, तो तू खुद जानता है एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, डी पी क्या है भाई, ए प्लस बी टी क्यूब, दोस्तों इसको आप अवकलित कर दो, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या है तेरा 3 BT² ये तेरा कांस्टेंट है, तो एफ डायरेक्टली प्रपोर्शनल क्या आ गया T², अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम आते हैं, देख भाई सिंपल सिंपल हो गया। थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो, इस क्वेश्चन से देखने के बाद दोस्तों आप देखो फिर वही फॉर्मूला काम आएगा, एफ बराबर डी पी बाई डी टी। तो आप देखो हमने एक टॉपिक छेड़ रखा NM और फ्रिक्शन, पहले क्वेश्चन पुली पे 3-4 आए, लॉजिक पल्ले पड़ गया, अब एफ डी पी बाई डी टी पे आ गए, तो एक ही लॉजिक पे 3-4 क्वेश्चन बन रहे ना, तो आपको तैयार हो जाएगा। देख डियर यदि तुम किसी कोचिंग पढ़ाओ, CLC हो किसी कोचिंग में, तेरे माइनर में 60-70 नंबर भी चल रहे थे ना फिजिक्स में, तो भी तू उनको 130 प्लस कर सकता है। कैसे, नीट 2013 से 2019 के मेरे सारे वीडियो पढ़े हैं सॉल्यूशन किए हुए, इसके अलावा पंच के नाम पे मैंने शुरू कर दिया, ये मेरा थर्ड लेक्चर है, ऐसे 20 लेक्चर दूं टोटल तेरे को मैं। एफ डी पी बाई डी टी, साहब कहता है यार इतना फोर्स इतना केजी इतने सेकंड का कार्य करता, संवेग में परिवर्तन डीपी इक्वल टू एफ डी टी, तो एफ 10 है डी टी 10 है, आंसर क्या आ गया 100। अब पता क्या बताऊं, एग्जाम आए भाई लेकिन ये। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा बट बिल्कुल सिंपल है। वो कहता है इतनी केजी का जहाज है, इतना फोर्स लगाए, इतना डिस्प्लेस्ड हो गया, तो बताओ उसकी चाल, जहाज खड़ा था यार, इंजन चला दिया, किस फोर्स का इंजन चलाया, इस फोर्स का, इतना अगला चला गया, तो बताओ कार, जमीन पे गाड़ी चलती है, ये पानी भी चल रहा है, क्या फर्क पड़ने वाला है, आ जा। तो सबसे पहले तो सिस्टम का तो ए निकाल, तो ए इक्वल टू क्या है एफ बाई एम, एफ क्या है तेरा 25 × 10^5 अपॉन 2 × 10^7, तो देख ले यार ये 2 बच गया, 200 बच गया, ये तेरा 1/8 आ गया। बस अब जहाज चला, मेरे पास टी नहीं है, मेरे पास एस है और ए है। ओके तो ये रहा V² = U² + 2AS, U² क्या है 0, क्योंकि शुरू में क्या था रेस्ट कंडीशन में, तो दोस्तों V = √2AS, ए बोले तो 1/8, एस बोले तो 25, ये ले भैया ये तेरा 4, ये तेरा दोस्तों एक्चुअल में क्या है 25/4 का रूट का मतलब हो गया है लगभग 6, उसका रूट होगा दोस्तों 2.5 के आसपास। ओके तो आंसर है 2.5 मीटर/सेकंड, अभी तक गुणा भाग करनी पड़ेगी। ओके थैंक यू। चला आगे भैया क्वेश्चन नंबर 19, फिर वो एफ इक्वल डीपी बाई डी टी, इतने ग्राम की गेंद इतने m² के त्वरण से गतिमान है, जब इस पर इतने सेकंड तक कार्य करता है तो आवेग क्या है। लड़के ध्यान देना भाई, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, डीपी इक्वल टू एफ डी टी, आप एक बार जानते हो ना डीपी को आवेग कहते हैं, हेलो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो आवेग इंपल्स कहलाता है, संवेग परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। ओके एफ कितना डियर, एफ नहीं दिया कोई बात नहीं, ये ले एफ एम ए डी टी,
आजा एम कितना भाई, ओ लड़के ग्राम है तो ग्राम को किलो में चेंज कर दे, 10^-3। ए कितना है रे, 20 है। डी टी कितना समय है, 0.1 सेकंड तक है। तो दोस्तों आप देखो ना, इसको आप 10 को नीचे ले लो ये पॉइंट करके, ये आपका 2 हो गया, तो ये आपका 300 × 10^-3 हो गया, इसका आंसर 0.3 आ गया यार। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, अब नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। अब रस्सी आ गई है जिसका मास है FBD के रूप में, एक नया फॉर्मेट है। अब एक नया फॉर्मेट, पहले पुली आई फिर FDP/DT आया, अब देखो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या है, पढ़ लिया। चलो मैं शुरू करूँ आपके लिए। वो कहता है एक M द्रव्यमान का ब्लॉक, ये ले भाई M द्रव्यमान का ब्लॉक, फ्रिक्शनलेस होता है इस क्वेश्चन में, फ्रिक्शन नहीं आएगा भाई, फ्रिक्शन नीट भी नहीं आएगा। M/3 द्रव्यमान रस्सी है, ये कोई रस्सी है जिसका मास क्या है M/3 और इससे जुड़ी हुई है, और यहां पर एक फोर्स F लग रहा है। तुझे देख यार, वहां कोई बॉडी है और रस्सी से खींच रहा हूं मैं, तो बॉडी का मास M है, रस्सी का तो भाई रस्सी भी खींचनी पड़ेगी। वो कहता रस्सी के मध्य बिंदु पे तनाव क्या है, दोस्तों इस बिंदु पे तनाव क्या है। तो देखो दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है, सबसे पहले इस प्रकार के सिस्टम का A निकालना होगा, A कभी नहीं बदलेगा। तो A क्या है, आ जाओ F=MA और A=F/M। M का मतलब आप जानते हो, M बॉडी का मास है, यहां रस्सी का मास लेना पड़ेगा, तो M+M/3। तो डियर ये तेरे सामने क्या आएगा, 4M/3। तो ये 3F/3 क्या आ गया, 4M। बोलो हाँ या ना, क्लियर कि A का मान आ गया। अब देख मैं तेरे लिए कलर चेंज कर दूं इसका। अब डियर वो कहता है कि यहां फोर्स क्या है, तो इस फोर्स को दोस्तों इस सारे ताम दाव खींचना है। टोटल रस्सी का मान M/3 है, तो इस रस्सी का मान M/6 है, तो इसको दोस्तों M+M/6 को खींचना है। M+M/6 का मतलब है इसको 7M/6 को खींचना है। ओके बस F=7M/6 × A। व्हाट इज A, इसको F डैश बोल दे, 3F/4M। ओके ये ले, इसे कैंसिल आउट कर दे, M से M कैंसिल आउट कर दे, ये 7/8F, 7/8F, ये ले, ये तेरा चौथा ऑब्जेक्ट आंसर हो गया इसका। क्लियर, सुन एक मिनट, सबसे पहले बॉडी का टोटल A निकाल, नोट बॉडी सिस्टम का निकाल लिया, फिर अगला यहां, अब सीन देखना यहां, तो यहां यार एक आदमी खड़ा है, देख मैं खड़ा हूं, मुझे यहां से खींचना है, तो मुझे आदि से खींचनी है M/6, बहुत सिंपल है। आप फिजिक्स को नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ पे जाके देखो। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन 21 भाई, 21 से लेके 25 तक सारे कुछ थ्योरेटिकल है, इस पर डिस्कस कर लेते लो। अगला कहता है जब एक घोड़ा एकाएक दौड़ने लगता है तो घुड़सवार, देखो दोस्तों आप घोड़े बैठे हो, ओके घोड़ा भी स्थिर आप भी स्थिर, जड़त्व क्या कहता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध है, गति है तो रुकना पसंद नहीं करता, रुका हुआ तो गति करना पसंद नहीं करता। घोड़ा चल गया बट तेरी बॉडी को टाइम, अचानक चला घोड़ा, देख घोड़ा चलता आराम से तो तेरी और घोड़े की बॉडी साथ हो जाती है एडजस्ट, घोड़ा अचानक चल गया तो तू थोड़ा सा, तू नहीं गिरा, तू वहीं खड़ा है, लगता गिर गया, अपन वहीं खड़े हैं लेकिन घोड़ा आगे जाने के कारण अपन सापेक्ष में गिरे हुए लगते हैं। तो आंसर क्या हो गया, विराम के जड़त्व के कारण उसके शरीर का ऊपरी भाग स्थिर रहता है, निचला भाग घोड़े के साथ गति करता है, इसलिए गिर जाता है। आंसर क्या हो गया, 3rd। थैंक यू। हाँ डियर, ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कार में बैठा है और ऊपर उछाली, और वो कहता है कि ऊपर फेंकता है गाड़ी का वेग क्या है, नियत है, तो गेंद वापस आदमी के हाथ में आएगी। तो देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं, आपने गेंद उछाली, गाड़ी का वेग अब भी वही है, पहले वही था, गेंद आपके हाथ में आई, आपने गेंद उछाली और गाड़ी की स्पीड होगी तो गाड़ी और हम तो आगे चले, गेंद पीछे गिर गई, गाड़ी ने ब्रेक लगा दिए तो हम गाड़ी तो पीछे रह गए, गेंद आपके आगे गिरेगी। एक और सुन ले, हम यूं जा रहे हैं, गेंद उछाल दी, गाड़ी दोस्तों दी दाई ओर मुड़ गई तो गेंद आपके बाई ओर गिरेगी, गाड़ी बाई ओर मुड़ गई तो गेंद आपके दाई ओर गिरेगी, क्यों आप मुड़े हो, गेंद तो अभी रस्ते जा रही है। यहाँ एक प्रश्न और अच्छा बनता है, एक कार गाड़ी ट्रेन जा रही है, एक आदमी बाहर खड़ा है, एक गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में बैठा हुआ आदमी कोई पैकेट पटकता है तो गाड़ी में बैठे हुए आदमी को तो उसका पथ लगता है सरल रेखीय, जबकि बाहर खड़े बंदे को उसका पथ क्या लगता है, पैराबोलिक। बड़ी काम की चीज आ गई। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल सा, आदमी किसे तैरता है, गति के 3rd नियम से, तो आपसे इसे तो कोई बात ही नहीं करनी। ओके थैंक यू। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान सुनो, एक ठंडा पेय पदार्थ एक तुल्ला पे रखा, ये हमारा तुल्ला का प्लेटफॉर्म है, इस पे बोतल रखी हुई है ऐसे एक, ठीक है ये ढक्कन है इसका। अब एक बार ध्यान सुनना, इसका ढक्कन खोलते हैं ना, तो ढक्कन खोलते तो गैस ऊपर क्यों निकलती है, तो एक फोर्स नीचे क्यों लगता है, तो लगता है कि
भार बढ़ गया, बट थोड़ी देर के बाद वो गैस निकल जाती है तो कुल मात्रा कम हो जाती है, तो ओवरऑल द्रव्यमान कम हो गया, तो पहले बढ़ा हुआ फिर घटेगा। इसका एक एग्जाम्पल और भी है, देखो बताऊं मैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे ऊपर कोई डंडा बंधा हुआ है, नीचे हमें किसी खड़े मशीन पे, हमने इस डंडे को ऐसे पकड़ा और ऐसे उठना चाहेंगे तो जिस समय उठते हैं ना उस समय तो उस पर फोर्स ज्यादा होता है और उठने के बाद फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि जब हम उठना चाहते हैं उस समय हम एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर। सेम बात देखो, गैस निकलेगी ना तो फोर्स नीचे की ओर जाएगा तो थोड़ा बढ़ाव लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद गैस के साथ वो लिक्विड बनकर निकल जाएगा, पदार्थ कम हो जाएगा तो ओवरऑल मास कम हो जाएगा। अब उसको भार कहो मास कहो बात एक, ओके थैंक यू। दोस्तों कॉन्सेप्ट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 4 किलो द्रव्यमान के टुकड़े दो हल्की स्प्रिंग ए वाले लटकाए, दोस्तों आप गांठ बांध लो, कभी भी दो टेंशन नहीं होती है, इनके पाठांक हमेशा एक होता, हाँ स्प्रिंग मास टेस्ट होनी चाहिए, रखना चीज में स्प्रिंग का मास काउंटेबल नहीं होना चाहिए, तो दोनों के पाठांक सेम आएंगे, एक का पाठांक भी 4 kg और दो का पाठांक भी 4 kg। थैंक यू। हाँ डियर, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज सीमांत घर्षण, दोस्तों सीमांत घर्षण हमेशा गति घर्षण थोड़ा सा ज्यादा होता है, एक याद आ रहा है क्या, ये ले, ये कौन है, सीमांत घर्षण है, क्योंकि जिस समय गति शुरू होती है ना उस समय जोर थोड़ा सा ज्यादा आता है, फिर तो अपने आप चीज मूव करना शुरू कर देती है, बहुत ये ग्राफ याद आ रहा है, अच्छा ग्राफ है, तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, हमेशा गति घर्षण से थोड़ा सा अधिक होगा, आंसर क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट, ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 27, देखो ये प्रश्न यदि दो फॉर्मूले हैं वो याद नहीं है ना तब तो इसे बेकार क्वेश्चन नहीं है। मैं आज इसी वीडियो के अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि कोई बॉडी ऊर्ध्वाधर गिरती है तो ए इक्वल टू क्या होता है, जी, जी मानते हैं उसको, किसी प्लेन पे होती है तो ए क्या बन जाता है, जी साइन थीटा, और वही प्लेन आपका रफ हो तो याद करो क्या बन जा, ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, बस वही प्रश्न है। चल पेज खाली कर भैया, आ जा, देखो डियर साहब कहता है कि एक प्लेन है, चिकना प्लेन है, म्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहां मेरा ए काम आएगा जी साइन थीटा। अब इसका डेरिवेशन नहीं कर सकता भैया, याद रखना पड़ेगा आपको ये। अब यदि प्लेन वही है, वही एंगल है, यहां भी एंगल 45 है और यहां भी एंगल 45 है, अब दोस्तों यहां तेरा म्यू जीरो नहीं है तो यहां जो बॉडी मूव करेगी वो होगी ए जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, क्लियर, बस यहां ये एक्सीलरेशन है वहां वो एक्सीलरेशन है। अब इसका टाइम कॉमन सेंस की बात है टी है तो इसका टाइम एन टी होगा, तो कॉमन बात है, खुर्दी में ज्यादा समय लगता भैया, यहां तक बात होगी। अब आपको म्यू चाहिए, ठीक है, ए तो मैं म्यू निकाल देता हूं, लो इसको मिटा देता हूं, मिटा दूं, आ जा, जब चिकना है एस का फॉर्मूला बना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वन टी वन स्क्वायर ए, देख दोस्तों एस दोनों का बराबर है, यू दोनों इनिशियल जीरो है, तो कहने का मतलब है कि आप इसको सोल्ड करेंगे तो एस दोनों का इक्वल है तो आप दूसरा एस ले लो, तो ये क्या है, अच्छा यू क्या है, जीरो, ये स्टेप क्या हो गया, जीरो, तो एस इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ए वन टी वन स्क्वायर, दूसरा एस इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ए टू टी टू स्क्वायर, बता है ना, कर दिया, खाली कर दो इसको, आ जा, तो हाफ ए टी स्क्वायर मतलब है ए वन टी वन स्क्वायर ए टू टी टू स्क्वायर, ये तेरा म्यू इक्वल टू जीरो के लिए मान ले और ये म्यू दो जीरो के मान ले, आ जा ए क्या है रे, जी साइन थीटा टी स्क्वायर, ये क्या है रे, जी साइन थीटा म्यू जी कोस थीटा, ओ लड़के एन टी का स्क्वायर, हाँ है ना, पता, बस। अब देख साइन 45 है तो साइन 45 का मतलब साइन हो चाहे कोस हो वैल्यू सेम हो गई, तो ये जी साइन थीटा, ये जी साइन थीटा, ये सब कैंसिल आउट हो गए, बस इसमें यही सुंदरता है, देख एंगल 45 लिया अगले ने, 60 नहीं लिया, बस ये तेरे सामने क्या बचा, टी स्क्वायर, ये बचा 1 माइनस म्यू एन स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है डियर, आप टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो तो 1 इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर माइनस, और ऐसे नहीं बहुत इजी, और इजी कर दूं, ये तेरा क्या हो गया, 1 इक्वल टू 1 माइनस म्यू एन स्क्वायर, बहुत इजी हो गया, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू, तो दोस्तों म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, आंसर खोलना भाई, ए ये तेरा, ओके थैंक यू, इसकी प्रैक्टिस है।
मन देखो सुनो, हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट पे तीन चार, दोस्तों हमने पूरी फिजिक्स के 20 लेक्चर बना दिए, हर टॉपिक में ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन है, मैं आपको 900 क्वेश्चन कराऊंगा। फिजिक्स में मुश्किल से एक टॉपिक में दोस्तों 10 लॉजिक होते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमने टॉपिक खूब बड़े कर दिए, 20 लेक्चर बना दिए। वैसे आप तो किसी भी कोचिंग पढ़ते हो ना, तो माइनर है तो 15 होते हैं 16 होते हैं, 15 या 16 टॉपिक, हमने इसको 20 टॉपिक कन्वर्ट कर दिया, हमने एनएलएम और फ्रिक्शन को एक टॉपिक बना दिया पूरा, पढ़ लिया वो क्वेश्चन है। विराम से चल के 45 डिग्री झुकाव वाले एक समतल पे अनुपस्थित फिसलती है, वो कहता समय दुगना है। देखो दोस्तों अभी बताया मैंने म्यू इक्वल टू 1 - n² और n का मान है 2, इसका मान है 3/4.75। हेलो पिछले प्रश्न देख क्या था, म्यू इक्वल टू 1 - 1/n² एन क्या है टाइम, कितना टाइम है, अगर खुद का समय दुगुना है तो एन का मान 2 हो गया ना, 1/4 3/4, आंसर क्या आ गया 0.75। ओके थैंक यू, आ जा भैया वही कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है, एक बर्फ का टुकड़ा 30 डिग्री वाले प्लेन पे है जिसका फ्रिक्शन है, अरे भैया भूल गया क्या, ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, बस आ जा जी को बाहर निकाल ले, साइन इसको जी को बाहर निकाल लिया, साइन थीटा क्या होगा, साइन 30 क्या होता है 1/2, म्यू कितना है 1/√3, कोस 30 क्या होता है √3/2, ये कैंसिल आउट, हाफ माइनस हाफ क्या हो गया 0, आंसर क्या आ गया 0। सुन जिसको ये याद है उसके तो फुटबॉल है भैया, अब याद कैसे होता है, प्रैक्टिस से, वो किससे आती है, पढ़ने से, मेहनत करने से, रूम पे बैठने से, मस्ती करने से नहीं भाई। ओके थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन 30, सांप कहता है 0.4 केजी मास का पिंड है जिसके एक्स और टी के बीच आपका कर्व है इस तरह से, अखिलताओं क्या हो रहा है कि ये गेंद ऐसे अपन टप्पा खिला रहे थे, जैसी बात है यार बड़ा क्वेश्चन है, या ऊपर उछाल रहे हैं टप्पा खिला रहे हैं। एक बात पहले सुन ले, आवेग का परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स चाहिए, आवेग किसको बोलते हैं याद है ना, डीपी, ओ भाई पी तो क्या है मोमेंटम और डीपी क्या है इंपल्स। मैं इस प्रश्न को करने से पहले तेरे को एक बहुत प्यारी बात बताता हूं, आ जा इधर आ जा, खाली करो पेज। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए और एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी, पता है कहां से आते हैं आपस में, देखो दोस्तों रियल में ऐसे आता है, एफ इक्वल टू होता है डीपी बाई डीटी, एफ इक्वल टू होता है डीपी क्या होता है एम वी बाई डीटी। आप जानते हो कि एम हमेशा बॉडी का कॉन्स्टेंट होता है तो ये क्या बनता है एम डी वी बाई डीटी, ये क्या बन गया ए, तो दोस्तों ये एफ बराबर एम ए यहां से बन जाता है। लेकिन याद करो रॉकेट के क्वेश्चन करते हैं ना तो वहां मास कांस्टेंट नहीं होता है, वहां मास भी वेरी करता है, तो डियर आप जानते हो इसके बहुत प्यारा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है एम डी वी बाई डी टी और एक फॉर्मूला है वी डी एम बाई डी टी। याद करो डी एम बाई डी टी क्या है, रॉकेट से ईंधन निकलने की दर, याद है क्या, रॉकेट से ईंधन निकलने की दर, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल। दोस्तों बहुत प्यारा पॉइंट अपने आप में, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, लो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला कहता है इसका देखो दोस्तों, ये कौन है डिस्टेंस, ये कौन है टाइम, स्लोप क्या होगी वेलोसिटी, ये भी दो ये भी दो, यहाँ वेलोसिटी कितनी है एक, यहाँ स्लोप माइनस है, यहाँ क्या होगी एक, तो दोस्तों देखा जाए डी वी का मान क्या हो गया -2, फाइनल माइनस इनिशियल, बस। अगला पूछता है डी पी, डी पी बराबर क्या है, डी पी बराबर आप एम वी होता ना तो एम डी वी एक ही बात है, एम कितना है 0.4, डी वी कितना माइनस भूल जाओ 8.8, आंसर आ गया, ले हो गया थैंक यू। ये लो डियर जो मैं 30 में समझाया 31 में आ गया, लो भैया खैर समझा इसलिए था मुझे पता 31 में आने वाला है। देखो डियर क्या है कि एक कोई पिंड पड़ा है और आप सोचो एक पाइप लो जो भयंकर तेज पानी आता है तो उस पे अपन देते हैं तो आगे सरकता ना यार, बस वही है पानी की बोछार से इसको सरकाना है। अगला साहब कहता है 8 केजी का गुटका है, फ्रिक्शन लेस है, जल की धारा केजी पर सेकंड, लड़के केजी पर सेकंड क्या हो गया रे, आजा देख डीएम बाई डीटी, और इतने चाल से आरोपित है तो गुटके का इनिशियली त्वरण क्या है, देख भाई देख लड़के, एक तो होता है एफ बराबर एम ए और एक एफ बराबर क्या होता है भूल गया क्या डीपी बाई डीटी, बस। अब तू खुद कह रहा है एम ए बराबर क्या है डीपी बाई डीटी और डीपी क्या होता है एम गुणा वी, लड़के यहां वी कांस्टेंट है एम चेंज हो रहा है, तो बस तेरे सामने सामने एम ए वी को बाहर निकाल, दिस इज डीएम बाई डीटी, रटा नहीं मारना भाई, क्लियर।
पेज खाली कर ले उत्तरी, ठीक है, ठीक है डियर, हमने पेज खाली कर लिया तो फिर से लिख दे एफ बराबर एम ए, एफ बराबर डी पी बाई डी टी, और पी दोस्तों क्या होता है एम वी बाई डी टी, तो तेरे सामने सामने एफ इक्वल टू एम ए, वी को बाहर निकाल और डीएम बाई डी टी, ठीक है डियर, क्लियर। ये एम बड़ा लेना पड़ेगा, कैपिटल एम, ये एक्चुअल में किसका मास है, ब्लॉक का मास है ना, एम ए इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी, तेरे को क्या निकालना पुत्र, ए निकालना है, तो व्हाट इज ए, वी डी एम बाई डी टी अपॉन कैपिटल एम। क्वेश्चन दिखाना भैया मेरे को, क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन दिखा, ए की वैल्यू क्या है, वो रही ए की वैल्यू है सात, आ जा तेरे लिए कर लूं, एक वी सॉरी वी की वैल्यू क्या है सात, डी एम बाई डी टी क्या है चार, कैपिटल एम कितना है आठ, ये तेरा दो आंसर आ गया दोस्तों सात बट्टा दो, ये लो जी सात बट्टा दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कम मजा आता है जब हम तीसवें क्वेश्चन बात समझे तो मजा आता है इसका। ओके थैंक यू दोस्तों, ये क्वेश्चन याद करो, हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, और वहां इस तीनों समझाए थे, याद करो पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, देखो यहां भी मैं कह दूं ओ से ए त्वरित है, ए से बी कांस्टेंट वेलोसिटी है, बी से सी मंदित है, लिफ्ट है, क्योंकि देखो ये इधर ना ये इधर वी, वी और टी के बीच कर्व है, तो वी और टी के कर्व की ढाल क्या होती है त्वरण बताती है। आज क्वेश्चन क्या कहता है, एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो ओ से ए, तो इस लिफ्ट दोस्तों जी प्लस ए होगा, ए से बी जी इक्वल टू जी होगा, बी से सी जी डैश इक्वल टू जी माइनस ए होगा। मैं लिख दूं तेरे लिए, यहां तो दोस्तों जी डैश की वैल्यू जी प्लस ए होगी, यहां तेरे जी डैश की वैल्यू जी इक्वल टू वे होगी, और यहां तेरे जी डैश की वैल्यू जी माइनस ए होगी। सीधी सी बात है भैया, ए कितना है ये चार बट्टे दो, तो यहां कितना है दो, यहां कितना है जीरो, ये दो ये चार, फिर चार बट्टे दो, यहां भी तेरा दो, तो देखा जाए तो यहां तो बारह हो गया, यहां दस का दस हो गया, और यहां दोस्तों आठ हो गया, कुल मास हजार है, तो ये तो बारह हजार है, वो दस हजार है, वो आठ हजार है, बस कहला कहता है t बराबर एक सेकंड पे लिफ्ट t बराबर एक, तो यहां खड़ा है, यहां तनाव क्या है 12000, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है t इक्वल टू 6 सेकंड, 6 का मतलब यहां कहीं खड़ा है, यहां दोस्तों g 10 के काम आएगा, तो यहां उसका क्या काम आएगा 10000, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला t इक्वल टू 11 दोस्तों वो सही कहता है 8000 है। अब दोस्तों लिफ्ट यात्रियों को 50 मीटर की ऊंचाई तक ले जाती है, अब लिफ्ट कितना ऊंचाई तक ले जाती है, तो तीनों सही हो गए, तो पक्का कि यही चौथा गलत है, पर इसको भी निकालना पड़ेगा अपने को, तो कैसे निकालें इसको भैया, तो दोस्तों एस और टी, एस और टी जो है सॉरी वेग और टी, वेग और टी के द्वारा कवर्ड एरिया घेरा गया क्षेत्रफल तय की गई दूरी है। लंबत्र निकाल दूं पूरा, एक मिनट पूरा निकाल दूं, ये 1/2, ये कितना हर है दो, और ये कितना है चार, चार दूनी आठ, यानी इसका एरिया कितना हो गया चार, ठीक है डीडी कितना है तेरा आठ, ये कितना है चार, ये आठ चौक 32, ये कितना तेरा दो, तो ये कितना बच गया चार, तो दोस्तों ये अपना आया 32 था ना, ये 32 और इसमें यहाँ पर चार, यहाँ पे चार आठ, इसका आंसर है 40 मीटर, ये 40 मीटर लेके जाएगी, यहाँ क्या कर दिया 50 मीटर, इसलिए आंसर आपका खत्म हो गया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन वास्तव में है, तो पहला क्वेश्चन ही लेकिन सब कुछ पूछ गया। देखो लड़के, ओ से ए जी प्लस ए, ए से बी जी इक्वल टू जी, और बी से सी जी माइनस ए, क्लियर, और इसके द्वारा कवर्ड एरिया एस और टी के द्वारा घेरी गया क्षेत्रफल तय की गई दूरी होती है, ऊंचाई बोल दूरी बोल का फर्क पड़ता है। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, ट्रेन मान लो, ये डब्बे हैं, तो ये मान लो इंजन धक्का दे रहा है इस बार डब्बों को खींचने, एक ही क्या फर्क पड़ता है, अरे पांच धक्का दो या पांच को खींचो, बात तो ऑलमोस्ट एक फर्क पड़ता है, कुछ फ्रिक्शन वरिक्शन में फर्क पड़ता है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है। वो कहता है चित्र अनुसार पांच द्रव्यमान के इस प्रकार रखे हुए हैं, सतह को घर्षण मान लिया, एक नियत बल एफ है, बल एफ है, घन ए के एक सिरे पे बाईं से दाईं ओर लगाया, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों प्रत्येक बॉडी का मास क्या है एम, तो सबसे पहले इस सिस्टम का आप ए निकालो, तो दोस्तों 5m इक्वल टू ए, ए इक्वल टू पी अपॉन 5m, क्योंकि आप जानते हो एक सिस्टम के कभी दो ए नहीं हो सकते, तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका जो त्वरण है वो पी बाई 5m है, तो दोस्तों इसका त्वरण जो है वो पी बाई 5m है, और शायद ये इसने पूछा है, ये सत्य कथन हो गया, ये तो आपका क्या हो गया भैया
सत्य कथन है, आपको असत्य पूछा है, तो दोस्तों 5P/M निकाय का त्वरण नहीं हो सकता यार, तो ये अपने आप असत्य हो गए, दिमाग क्यों लगा रहे हैं, सीधी सी बात है, तो अपने आप सत्य होंगे, मुझे क्या, मुझे एक ढूंढना है सत्य। ओके थैंक यू दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखेंगे अपन, इसमें एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट काम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, वो कहता है ऐसे स्ट्रिंग दिखा दी और 40 kg विराम अवस्था में है, तो तीनों तनाव T1, T2, T3 बताओ। आप पेज खाली करें, मैं पहले इस पे मूल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ डियर। देखो ये बड़ा मामला लोचा रहा है, ये एक ट्रेंगल बनाओ, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है या 5 है ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का, ये फिक्सर है, बिना पूछे किसी पंडित जी को, ये 53 डिग्री और ये 37 डिग्री और ये 90 डिग्री। पंडित जी मतलब हर अच्छे काम मुहूर्त से करते हैं ना, यहाँ मुहूर्त की जरूरत ही नहीं है। ये देख 5 और 3 53 है, ये 53 याद कर ले यार, वैसे 3 4 5 बस, ये है इसमें मूल। ये होने के बाद इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं उस डायग्राम को बनाऊं तेरे लिए, तो ये डायग्राम ऐसे दोस्तों, लो ऐसे डायग्राम है वो, ये कितना केजी है, 40 kg, यहां क्या लग रहा है, T3, इधर कितना लग रहा है दोस्तों, T1, इधर कितना लग रहा है, T2, ये एंगल दोस्तों कितना है, 37 डिग्री, ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। एक बार क्वेश्चन दिखाना, चेक कर लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये T1, ये T2, ये T3, ओके अटा क्वेश्चन, ओके डियर। अब ये तेरे सामने बनाव पड़ा है, अब मैं इसकी बैलेंस इक्वेशन कर दूं, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, तो इसको मैं छोटा बन के छोटा सा बना दूं तेरे को देखने के लिए, हल्का सा हिंट के लिए, ये ऐसे जगह अपने पास कम है ना, तो ये तेरा 53 है, ये 37 है, ये तेरा 5 है, ये 3 है, ये 4, आ जा भैया। तो सबसे पहले T3 निकाल, तो T3 तो भैया कुछ नहीं है, 40 × 10 = 400 N हो गया, बुलाया ना, एक बात तो पूरी हो गई, बोल हो गया ना, 40 नीचे की ओर, T3 ऊपर की ओर, जी से मल्टीप्लाई। अब देख लड़के, ये एक इधर कंपोनेंट आएगा इसका, कितना आएगा, T1 cos 37 डिग्री आएगा ना इधर, और इसका इधर क्या आएगा, T2 cos 53 डिग्री, बता T1 cos। अब थोड़ा कलर चेंज कर ले अपन इसको दोस्तों, आप इधर तोड़ो कंपोनेंट में, तो इधर दो कंपोनेंट आएंगे, क्या आएगा, एक तो आएगा T1 sin 37 और एक आएगा प्लस T2 sin 53। ढंग से बैठ जा भैया, सीखना पड़ेगा इसको। अब वो दोनों इससे बैलेंस हो रहे हैं, इससे बैलेंस हो रहा है, क्यों, इक्विलिब्रियम में है। तो दोस्तों सबसे पहले T1 cos 37 = T2 cos 53, आ जा भैया, T1 cos 37, एंगल ले तो कोस क्या होगा, आधार बटे करण, T2 cos 53 ले तो बेस कोण है 3/5, 5/5 कैंसिल आउट कर दे, इक्वेशन बन गई 41 = 3T2, यानी T1 की वैल्यू आ गई 3/4 T2, जो मेरे काम आएगी थोड़ी देर बाद, देखना भी T1 क्या आ गया, 3/4 T2, मैं इसको यहां लिख दूं, तू कहे तो T1 = है 3/4 T2, लिख दिया। अब इसको वापस मिटा दूं तेरे लिए, आ जा। अब दोस्तों ये 400 इनसे बैलेंस हो रहा है, आ जाओ, तो 400 तो नीचे है, ये क्या तेरा T1 sin 37, आ जा, साइन 37 क्या होगा, देख साइन 37 लेगा तो लंबटे करण, तो कितना हो गया रहा है, 3/5 गुणा प्लस T2 sin 53 क्या होगा, 4/5, बोल है ना, बस ये तेरा 400 = क्या है भाई, 3T1/5 + 4T2/5, इसको मैं ऐसे कह दूं 3T1 + 4T2 = 2000, हो गया ना, गुणा कर दे इसको। अब एक T1 रिप्लेस कर दे ले यार, तो जहां T1 लिखा हुआ है वहां क्या कर दे, 3/4 T2 = 4T2 = क्या है, 2000, मिटा दूं, कोई जरूरत नहीं कि अपने को। अब तो खुद देख यार, ये तेरे सामने क्या है, 9/4 + 4 × T2 = क्या है, 2000 है। अब तो इसको 4 लोग तुम ले, ये तेरा 9, ये 4 बार गया 16, T2 अपॉन कितना है 2000, 16 लोग कितने होते हैं,
25, इसको भाग दे 25 को, कितना आया 80। तो दोस्तों T2 इक्वल टू 8 चौक 32 कितना आ गया 320 आ गया। T2 320 आ गया, तो T2 320 है तो T1 का मान क्या होता है 3T2/4। आप क्वेश्चन बना, तो T2 320 आ, क्वेश्चन बना भाई एक बार, ये इसको मैं मिटा दूं। T2 दोस्तों 320 है, T2 320 है ये, तो अपने आप 240 होगा, देख रहा हूं आपका आंसर आ गया। ये है रियल एग्जाम, एग्जाम में ना भी आए ना भैया तो कंपोनेंट का फंडा क्लियर करने का इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता। 57 डिग्री, 53 डिग्री और 37 डिग्री। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 35 गला सा क्वेश्चन है, दो बल जिनका मान एफ है उनका परिणामी भी एफ है दोस्तों 120 डिग्री। सुन ले भाई, दो आर मतलब आर आर दो वेक्टर हैं, उनके बीच एंगल थीटा 0 हो तो आर डैश की वैल्यू 2R होती है, उनके बीच थीटा 90 डिग्री हो तो आर डैश की वैल्यू √2R होती है, उनके बीच थीटा दोस्तों 180 डिग्री हो तो आर डैश की वैल्यू 0 होती है, और ये बहुत सुंदर क्वेश्चन, उसके बीच की वैल्यू 120 है तो आर डैश इक्वल टू आर होता है। ये ब्रह्मास्त्र है, ये तो पूरी काम आता है फिजिक्स में यार, और सबको आता है, जिसको नहीं आता उसको पढ़ना मेरा भाई साहब, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, ये वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं सही बता रहा हूँ नीट में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो तरीका क्या है कि कोई दीवार है, एक प्रश्न पढ़ लो आप लोग, क्या है पढ़ लिया, एक दीवार है, उस दीवार के सारे गुटका ऐसे गिर रहा है, इस गुटके को मुझे रोकना है तो मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं, ये गुटका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो दोस्तों क्या क्या चीजें होगी देखो सुन ध्यान से। ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स इधर आपने एफ लगाया, उसका कोण होगा रिएक्शन होगी, नीचे की ओर कौन खींच रहा है इसको भैया, कहने की बात ही है, कौन खींच रहा है mg, जिसका कोण अपोज करेगा स्मॉल f, दोस्तों स्मॉल f हमेशा मेरा होता है μr, बस μr किसके बराबर है mg के बराबर है, mg कौन है गुटके का बाहर है, किसके बराबर है μr के बराबर है, μ कितना है 0.2, r किसके बराबर है f के बराबर है, वो कितना है 10, आंसर क्या आ गया 2 न्यूटन, ये ले यार हो गया, थैंक यू। डियर क्वेश्चन नंबर 37, फिर वही प्रश्न, कोई इंक्लाइंड प्लेन है और वो म्यू रखता है यानी खुरदरा है, तो भैया ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, ये मैं 10 बार करवा चुका हूँ, अब भी तेरे याद नहीं आया तो भाई साहब खाना खा के चुपचाप सो जा फिर। अगला साहब कहता है नियत वेग, नियत वेग का मतलब ए इक्वल टू 0, ये ले मेरे दोस्त जी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया तो म्यू जी कोस थीटा, जी से जी काट दे दोस्तों, साइन थीटा में कोस का भाग दो, म्यू इक्वल टू 10 थीटा, थीटा 30, 33 का मान क्या होता है 1/√3, आंसर आ गया। ओके थैंक यू। हाँ डियर क्वेश्चन नंबर 38, देखो दोस्तों 38 को करने से पहले एक सिंपल सी बात सुन लो मेरे से, ये कोई क्षितिज तल है, यहाँ कोई बॉडी रखी हुई है M, और ये दूसरा क्षितिज तल है जहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है M, इसका म्यू 0 है और यहाँ कोई म्यू है, मान लो यहाँ म्यू 0 नहीं है, किसके बीच फिक्स, दोस्तों गांठ बांध ले, यहाँ फॉर्मूला काम आएगा F इक्वल टू एम जी, और यहाँ फॉर्मूला काम आएगा F इक्वल टू म्यू एम जी बाई जी, मास्टर तो कहे तगड़ा है, सिंपली एफ इक्वल टू एम जी पूरी क्लास को आता है ना, बस फ्रिक्शन है वहां एफ इक्वल टू क्या कर दे म्यू एम जी कर दे, प्ले पड़ गया बस, अब आ जा क्वेश्चन में आ जा। देख डियर ये प्रश्न देखते रहा, एक समान मोटाई की एल लंबाई की रस्सी टेबल रखी हुई है, घर्षण गुणांक म्यू है, इस रस्सी की वह अधिकतम लंबाई एल वन जिससे टेबल के नीचे लटकाए ए, ये ले इधर क्या लटकी हुई है एल वन, तो इधर कितनी बच गई एल माइनस एल वन, पूरी रस्सी की मोटाई इक्वल है यानी स्मॉल एम, मास ऑफ यूनिट लेंथ क्या है सेम है दोस्तों, तो आप सब कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब दोनों फोर्स ऐसे इक्वल और अपोजिट कर दो, तो ये क्या हुआ एम एल माइनस एल वन मल्टीप्लाई म्यू, यहां फोर्स कौन लगेगा म्यू एम जी, ओके, और इधर कौन है एम एल वन, एम वन से एम कैंसिल आउट कर दे, ये देख एल म्यू माइनस एल वन म्यू इक्वल टू एल वन, आपको एल वन चाहिए ना, राइटिंग साफ नहीं दोबारा कर दूंगा इसको मैं, एल माइनस एल वन मल्टीप्लाई म्यू इक्वल टू एल वन, म्यू एल माइनस म्यू एल वन इक्वल टू एल वन, हमें एल वन चाहिए ना, तो दोस्तों म्यू एल इक्वल टू
म्यू एल वन प्लस एल वन, तो आप इस एल वन को उधर ले जाओ, तो ये म्यू वन प्लस म्यू मल्टीप्लाई क्या है एल, म्यू ये रहा दोस्तों आपका आंसर क्या होगा इसका, थर्टी एल है भाई, ये एक नहीं रही देखने में मिस्टेक है, ये म्यू मल्टीप्लाई एल है, तो म्यू मल्टीप्लाई एल वन प्लस म्यू आपका आंसर थर्ड हो गया। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। हाँ भाई 38 तक की शूटिंग अपने कल रात को की थी, कल 7 मई थी, फिर देर हो गई थी, तो आज अब वापस 8 मई को अभी दोस्तों करीब 2:30 बजे हुए हैं, फिर शूट स्टार्ट करते हैं। टोटल 45 क्वेश्चन है और 39 पे आ गए। हाँ कल की शूटिंग में एक दिक्कत हो गई थी, वो एक पुली वाला क्वेश्चन समझा के फिर उसको सोल्व करना भूल गए थे, उसको भी करना भैया, दोनों पुलियों कंपेयर करके फिर वो आगे जंप कर गए थे। तो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 39 पे दोस्तों टॉपिक आपका आपके सामने। ओके क्वेश्चन नंबर 39 आ जाए भाई। वो कहते हैं रोप ऑफ लेंथ, क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ लिया आ जाओ। एल लंबाई की रस्सी को नियत बल एफ से खींचा। देखो डियर ये कोई एल लेंथ की रस्सी है, माना इसका मास एम है, इसको किसी स्मॉल एफ फोर्स से खींचता है, तो जिससे खींच रहा उससे अक्ष दूरी पर, ध्यान दे इधर से अक्ष डिस्टेंस पर यहां पर टेंशन कितना है। क्लियर ओके। अब एक बात तो सुनो, इस रस्सी का स्मॉल एम बनाओ। स्मॉल एम क्या होगा दोस्तों, कैपिटल एम बाई कैपिटल एल। स्मॉल एम का मतलब है मास ऑफ यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ एल है, मास कैपिटल एम है, तो आप जानते हो एल लंबाई का मास एम है, तो यूनिट क्या हो गया एम बाई एल, ये क्या हो गया आपका मास डेंसिटी बोलते हैं इसको एक तरह से। अब मैं इसको एबीडी बना लूं एक तरह से, तो आप खुद देखो ये माना कितनी डिस्टेंस बचेगी रे, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी एल माइनस अक्ष, और ये कितना बचा अक्ष, इसकी लंबाई कितनी है अक्ष, इसकी लंबाई क्या है एल माइनस एक्स, ये एफ फोर्स है। अब तू जानता इसका मास कितना हो गया, इसका मास स्मॉल एम गुणा एल माइनस एक्स, इसका मान कितना है स्मॉल एम गुणा एक्स, हो गया स्ट्रिंग, यूनिट लेंथ का मास स्मॉल एम है, तो इस लंबाई से मल्टी, ये इसका मास है, इसका मास है, बस डियर आजा, ये तेरे सामने ये एक एम एक्स मास की बॉडी है, दूसरी एम एल माइनस एक्स मास की बॉडी है, और तेरे को ये टेंशन निकालना है, तो ये टेंशन निकालना है तो भैया ये टेंशन इसके बराबर है, यहां का फोर्स निकालना है। अब पहला केस जानता है, सिस्टम में इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले सिस्टम का ए निकालो, तो सिस्टम का ए कैसे निकलेगा स्मॉल एफ, ध्यान देना भैया अप्लाइड फोर्स स्मॉल एफ, एफ इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाई ए, कैपिटल एम क्या है टोटल मास, तो ए इक्वल टू क्या हो गया एफ अपॉन कैपिटल एम आ जाओ। अब डियर यहां जो टेंशन है वो इसको खींचेगी, तो इसको खींचे किस त्वरण से खींचेगी ए त्वरण से, तो एफ क्या हो गया या टी बोल दो, बात एक ही है, इसको आप टी बोल दो, तो टी इक्वल टू क्या होगा रे स्मॉल एम एल माइनस एक्स, ये तो इसका मास है, किससे मल्टीप्लाई होगा ए से, ए से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ना, अरे बॉडी मान लेना ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, यहां अगला पूछता है ना अक्ष दूरी पर सिम तनाव कितना, यहां टेंशन कितना है, तो ये रस्सी यहां जो रस्सी किसको खींचेगी इसको पीछे वाली को, ए एक बार निकालना होता है निकाल दिया, इसका मास क्या है एम एल माइनस एक्स, ओके डियर, तो ले मैं इसको डिलीट कर दूं, तो तेरे सामने टी इक्वल टू क्या आ गया स्मॉल एम एल माइनस एक्स अपॉन ए, ए क्या था अभी निकला था अपन ए, याद है ना ए क्या है एफ अपॉन कैपिटल एम, क्लियर, बस अब तो आगे चल डियर, स्मॉल एम का मान क्या है पूरा कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, ये ऊपर कौन है रे एल माइनस एक्स, ये तेरा एम, ये कैपिटल, इसको कैंसिल आउट कर दे, ये ले डियर, तो तेरे सामने टी क्या आ गया एल माइनस एक्स अपॉन एल मल्टीप्लाई एफ, एल माइनस एक्स अपॉन कैपिटल एल, ये ले भैया ये तेरा आंसर आ गया सेकंड, क्लियर, बस कुछ नहीं इसकी बॉडी बना लो, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है अपने आप में, इसको सारे एफ के फॉर्मूले हैं, लेकिन दोस्तों आप जानते हो एफ का जो फॉर्मूला है ना वो न्यूटन के सेकेंड नियम से आता है, और न्यूटन का दोस्तों रियल सेकेंड नियम होता है एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी, क्लियर, एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी, और एफ डीपी बाई डीटी का मतलब दोस्तों एफ है इक्वल टू डी बाई डीटी, पी क्या होता है एम मल्टीप्लाई वी, तो एफ इक्वल टू डी बाई डीटी एम मल्टीप्लाई
व्यू. दोस्तों ये आंसर कौन सा आपका इसका हो गया, थर्ड आंसर. इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, थर्ड. ठीक है डियर, थैंक यू. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 जो है ना, इसको मैं आपको समझा दूं, बट इसमें एक चीज मैंने आपको बहुत पहले कही थी कि जब कोई फ्रिक्शन नहीं होता है तो एफ इक्वल टू होता है एम जी, और फ्रिक्शन होते ही एफ दोस्तों बन जाता है म्यू एम जी. तो हकीकत देखा जाए तो जी डैश इस यहां बन जाता है प्लस या माइनस जो भी है म्यू जी. बस ये बात ध्यान रखें, इसमें कुछ नहीं करना है. इसमें रियल में एफ इक्वल टू एम जी होता है, पर फ्रिक्शन आते हुए म्यू एम जी हो जाता है. एम तो बदलता नहीं है, तो एक्चुअल में जी रिप्लेस बाई क्या है, म्यू जी. अब वो त्वरण है तो प्लस म्यू एम जी हो जाएगा, और माइनस मंदन है तो माइनस म्यू जी हो जाएगा. बस वही बात है. तो क्वेश्चन पढ़ लो क्या है. वो कहते हैं गुटका बी 36 स्तर पे प्रारंभिक वेग वी से क्षणिक रूप से दिखाता है, बी तथा स्तर के मध्य घर्षण गुणांक म्यू है, तो गुटके को बी को विराम अवस्था में लाने में कितना समय लगेगा. भाई सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वी इक्वल टू यू माइनस जी डैश टी. विराम अवस्था में लाना है, रेस्ट कंडीशन में ये जीरो हो गया, तो व्हाट इज यू, ये लो जी डैश टी. जी डैश क्या है, म्यू जी. बस खास बात है यहां पर, जी डैश क्या हो गया, म्यू जी. तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, म्यू जी टी. तो दोस्तों टी की वैल्यू हो गई, सॉरी ये यू है भाई, टी इक्वल टू यू अपॉन म्यू जी. टी इक्वल टू यू अपॉन वी, यू ए की बात है, वेग वी का है, तो v अपॉन म्यू जी. ये लो v अपॉन म्यू जी. हाँ डियर, एक बार फिर देख लो इस क्वेश्चन को, कि आप एक बात इसमें लो, मैं मिटा के फिर कर दूं आपके लिए इस क्वेश्चन को. अच्छा क्वेश्चन है डियर, जब फ्रिक्शनलेस होता है तो एक्चुअल में f इक्वल टू एम जी होता है, और फ्रिक्शन आते ही जो f डैश है वो दोस्तों एक्चुअल में आपका म्यू जी हो जाता है, यानी नया जो g डैश है वो दोस्तों एक्चुअल में म्यू जी बन जाता है. बस ध्यान रखना चीज का, बस तय रखो. फ्रिक्शन आते ही सरफेस पे जी डैश रिप्लेस बाई म्यू जी. बस अब आप खुद कह रहे हो कि v इक्वल टू यू माइनस जी डैश टी. आपको इसको रोकना है ना, ओके रोकना है. तो जीरो यू क्या है, ये v है, ये माइनस तेरा क्या है म्यू जी टी. ये ले यार t इक्वल टू, फिर देख ले v इक्वल टू म्यू जी. बर्बाद रहे, ओके थैंक यू. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसमें दो कंडीशन है, दो केस है, दोनों की बात कर लेते हैं. देखो क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ो. ये कहता है खाली प्लास्टिक बुक द्रव्यमान m है, गहरे पानी के अंदर छोड़ा. दोस्तों माना कि ये आपका पानी है, ठीक है. यहां पर आपने इस बॉक्स को छोड़ा तो कॉमन सेंस की बात है, ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स उत्प्लावन बल के कारण ये गुटका अपने आप जानते ऊपर की ओर आता है. किससे, जीवाय त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है. तो ये ब्लॉक जो आपका है वो ऊपर की ओर जा रहा है, बट एम जी हम जानते हैं हमेशा किधर लगता है, नीचे की ओर. तो माना इसका मास एम है, तो दोस्तों स्मॉल एम जी किधर लगेगा, नीचे की ओर. अपथ्रस्ट फोर्स को अपन बी कह दे, मान लो अपथ्रस्ट फोर्स को कोई बी या बीटा से रिप्रेजेंट कर दे, वो किधर लगेगा, ऊपर की ओर. मोमेंट भी किधर हो रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है. तो रियल मोमेंट क्या हो गया, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर है, एम जी नीचे की ओर है, और उन दोनों के कारण और आल सिस्टम किधर जा रहा है, ऊपर की ओर. तो दोस्तों ये क्या हो गया, एम जी बाई सिक्स इक्वेशन हो गई तेरी. तुम्हें बोल हाँ या ना, देख ले. अगला साहब कहता है पानी के अंदर रखा, जी बाई सिक्स त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर रखा कौन हमारा पानी, अपथ्रस्ट फोर्स, पर नीचे कौन खेच रहा है, एम जी. लेकिन ऊपर जा रहा है तो एम जी छोटा हो गया ना, ऊपर ज्यादा हो गया. अपथ्रस्ट फोर्स को बीटा कह दूं तो बीटा किधर, ऊपर की ओर, ठीक है. एम जी किधर, नीचे की ओर, और इन दोनों का डिफरेंस जो इतना है कि वो उसको सिक्स जी बाई सिक्स से ऊपर लेके जाए. तो इस बीटा को मैं इधर लेके जाऊं तो दोस्तों ये तेरे सामने स्मॉल एम जी प्लस एम जी बाई सिक्स, तो ये तेरे सामने सामने क्या आ गया, सेवन एम जी बाई सिक्स. ये इस क्वेश्चन का अपथ्रस्ट फोर्स आ गया. अब अगले स्टेप में इस बीटा को हम यूज कर लेंगे. अगले स्टेप में क्या कहता है कि बॉक्स में कितनी रेत डाल दें. आप जानते हो दोस्तों हल्का गुटका ऊपर आता है, भारी गुटका ऊपर थोड़ा आता है. वो कहता माना इसमें कितनी रेत डालूं मैं कि वो अब जी बाई सिक्स से डूबना शुरू, हल्की चीज डूबती है भारी, सॉरी हल्की चीज ऊपर आती है भारी चीज डूबती है. अब माना इसी प्रश्न में आप ध्यान दें, इसी प्रश्न में माना इस गुटके में मैं एम डैश मिट्टी डाल दूं. अब ये नीचे की ओर आना स्टार्ट हो गया, तो दोस्तों आप क्या देख रहे हो, एम प्लस एम डैश जी भी किधर है, नीचे की ओर, और मोमेंट भी किधर है, वही जी बाई सिक्स से
नीचे की ओर, बीटा तो अब भी क्या लग रहा है ऊपर की ओर, बीटा तब भी क्या लग रहा है ऊपर की ओर, बस ये तो मेरा काम हो गया। तो यहां तू क्या कहेगा, बीटा किधर है ऊपर की ओर, एम प्लस एम डैश जी किधर है नीचे की ओर, ओवरऑल मोमेंट किधर है नीचे की ओर। तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ एम प्लस एम डैश जी माइनस बीटा इक्वल टू एम प्लस एम डैश जी बाई सिक्स। बोल हाँ आना, ऊपर कौन है बीटा, एम प्लस एम डैश जी किधर है नीचे, ओवरऑल किधर है नीचे। तो बड़ा माइनस छोटा वेक्टर क्वांटिटी ना, तो एम प्लस एम डैश, एम कौन है ब्लॉक का मास, एम डैश कौन है मिट्टी जो हमने भरी है, माइनस बीटा। ओके अब आ जा, ये तेरा क्या है एम जी, ये तेरा क्या है एम डैश जी, व्हाट इज बीटा हो रहा कितना, सेवन एम जी बटे सिक्स। इधर देख, ये तेरा क्या है एम जी बाई सिक्स, और ये क्या है तेरा एम डी जी बाई सिक्स। बोल हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब अपन इसको एक बार मिटा ले, पूरा सोल्व करेंगे तेरे लिए, अच्छा क्वेश्चन अभी अपने आप में रहे, मूल काम तो हो गया मेरा। अब डियर अपने को एम डैश निकालना है, तो एम डैश एम डैश संख्या एक तरफ कर लो, तो आप ऐसा करो ये तेरा एम डैश जी है, इसको इधर ला उसको इधर जा, तो ये क्या है एम डैश जी अपॉन सिक्स इक्वल टू, इधर ला ये तेरा क्या है एम जी बाई सिक्स, इसको इधर ला तो ये क्या बनेगा माइनस एम जी, इसको इधर ला तो क्या बनेगा प्लस सेवन एम जी बाई सिक्स। ओके हो गया ना, देख एम डैश को मैं इधर ले आया, क्योंकि आपको एम डैश निकालना ना, तो एक तरफ कर लेंगे बस डियर। अब तू खुद देख ये क्या बच गया तेरा, सिक्स एम डैश जी माइनस एम डैश जी अपॉन सिक्स। अब मैं इसको मिटा दूं, तेरे पास तो पढ़ा ना पहले से वीडियो के अंदर, तो सिक्स में से एक है कितना बचा फाइव एम डैश जी अपॉन सिक्स इक्वल टू, इक्वल टू की बात करें तो यहां आ जा, ये सिक्स है, ये तेरा एम जी, ये तेरा माइनस सिक्स एम जी, और ये तेरा क्या है प्लस सेवन एम जी, सेवन और एट एम जी गया कितना बचा टू एम जी, तो ये क्या बचा तेरा टू एम जी अपॉन सिक्स, सिक्स कैंसिल आउट कर दे जी, जी कैंसिल आउट कर दे, तेरे को एम डी एस चाहिए तो कितना बच गया रहे दो बटा पांच मोल एम, ये ले दो बटा पांच मोल एम। क्लियर, मतलब घबराए नहीं आप, मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सीधा बोल सकता था, मैं कहता ऐसा हो जाएगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो सारी सॉल्यूशन आपके सामने की गई ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। ओके आंसर, तो इसका आंसर हो गया टू बाई फाइव सिक्स, दो दो बटा पांच है ना, टू बाई फाइव, टू अपॉन फाइव एम। आया बात का मजा, अब तो स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, ऊपर की ओर किधर है नीचे की ओर किधर है, दोनों को जोड़ लो, सिंपल सी बात। ओके थैंक यू। क्वेश्चन 43 सबसे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, कोई ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। वो कहता है 100 के द्रव्यमान का एक वाहन है, इतने मीटर वेग से चल रहा है, इतने सेकंड में रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए गए बल का मान बताओ। देखो सुनो डियर, सबसे पहले आप जानते हो ऐसे क्वेश्चनों में आप v इक्वल टू यू माइनस एटी रोकना है ना, तो जीरो, यू इक्वल टू क्या है एटी, यू क्या इनिशियल क्या है पांच, ए निकालना है, टी कितने समय में एक बटा दस में, तो दोस्तों ए का मान क्या आ गया पचास, बट ये माइनस आएगा भाई क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको माइनस ले लिया, मैंने रोकने की बात करके मंदन की बात कर माइनस कर गया, तो तुरंत क्या हो गया माइनस फिफ्टी। क्लियर, बस अब आपका तुरंत माइनस फिफ्टी है। तो दोस्तों फिर अपन जानते हैं कुल बल क्या होता है, एफ बराबर एम मल्टीप्लाई ए, एम दोस्तों क्या है सो फिफ्टी, तो ये आपके सामने सामने का आंसर आ गया दोस्तों, पांच हजार न्यूटन आंसर आ गया इसका, पांच हजार न्यूटन आंसर आ गया। क्लियर भाई, माइनस ये माइनस यहां से अपने माइनस लिया था ना, तो मंदन था इसलिए माइनस इसलिए बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पांच हजार न्यूटन का एक ब्रेक लगाना इस गाड़ी पे। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 ये एक अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, देखो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लिया। वो कहता टू कार्स ऑफ अनइक्वल मासेज यूज सिमिलर टायर, यूज सिमिलर टायर का मतलब फ्रिक्शन एक जैसा है, सीधी सी बात है, फ्रिक्शन दोनों का एक जैसा, फ्रिक्शन नहीं तो आप जानते हो सारा खेल फ्रिक्शन का है, याद है ना, नई गाड़ी के ब्रेक अच्छे लगते हैं, गाड़ी के टायर घिसते हैं ब्रेक खराब लगते हैं, याद करो जब बरसात नहीं होती है तो ब्रेक आराम से लग जाते हैं, बारिश होने के बाद आपको ड्यू टू वेटनेस गीलेपन के कारण दोस्तों ब्रेक कम लगते हैं गाड़ियों, है ना, इसलिए बारिश में गाड़ियां ज्यादा स्लिप होती हैं, स्लाइड करती हैं गाड़ियां। देखो क्या कहता, अलग अलग द्रव्यमान की दो कारें हैं, मास अलग अलग है भैया, समान टायर लगाए गए, इसका मतलब म्यू समान है, यदि कार प्रारंभ में समान चाल से चलें तो रुकने में न्यूनतम दूरी क्या होगी। देखो दोस्तों न्यूनतम दूरी की बात आप करो तो s इक्वल टू यू टी, दूरी रुकने न्यूनतम
रुकने की बात तो आप हमेशा फॉर्मूला काम दिया करो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर टू ए एस, क्योंकि यहां सारी बात रुकने की, रुकने का मतलब अंतिम वेग क्या हो गया, जीरो, तो यहां तो क्या आएगा, रहे माइनस आएगा, फिर रुकने की बात आ गई तो फिर बंधन हो गया ना, तो ये माइनस है, तो रियल इक्वेशन बनेगी, देखो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, ये जीरो हो गया, ठीक है डियर। तो कहता प्रारंभिक चार्ज चलते तो रुकने की न्यूनतम दूरी क्या है, तो दोस्तों आपके सामने सामने एस की वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर बाई टू ए, यू स्क्वायर क्या है, दोनों के वेग। तो अगला साफ कहता है कि कार प्रारंभ में समान चाल से चले तो यू समान हो गया, ए दोस्तों ए आप जानते हैं कौन काम आएगा, म्यू जी, ए रिप्लेस बाई म्यू जी, म्यू समान है, जी समान है, ये सब समान है दोस्तों, एस दोनों का समान होगा, तो वो कहता है भारी कार के लिए नहीं हल्की का, दोनों कारों के लिए समान होगी, क्लियर। यहां एक ही बात याद रखना, टायर एक दे दिए इसका मतलब मंदन भी, त्वरण भी मंदन भी अलग अलग है, म्यू जी होता है याद करो, रहे जैसे फ्रिक्शन आ जाता है ए रिप्लेस बाई म्यू जी, ध्यान दें इस बात पे, जहां जी होता है ना वहां म्यू जी काम ले लो आप, ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 45, ये दोस्तों मुझे याद है, मैंने जो वीडियो कराया था सॉल्यूशन, ये नीट 2013 की प्रॉब्लम है। साहब कहता है तीन गुटके हैं, डोरिस जुड़े हुए हैं, एम ब्लॉक्स पर ऊपर की ओर, एफ पर लगाने पे सभी गुटके दोस्तों स्थिर वेग से ऊपर जा रहे हैं, स्थिर वेग से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ए का मान जीरो है भाई, सीधी सी बात है, ए का मान जीरो है तो ब्लॉक पे कुल लगने वाला बल कितना हो जाएगा भैया, जीरो, सीधी सी बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है, बस एक लाइन काम की, फालतू बना रखा क्या क्या, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब एक्सेस जीरो, ए जीरो एफ जीरो, तो आपका आंसर क्या गया दोस्तों इसका, थर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नीट 2013 प्रॉब्लम है, मैंने कराया था वीडियो सॉल्यूशन, ओके थैंक यू। हाँ डियर 45 क्वेश्चन हो गए, लेकिन दोस्तों कल रात को क्या हुआ, कल 7 की शूटिंग में क्या हुआ कि ये 5वां क्वेश्चन, और देखना 6ठा क्वेश्चन जब मैं समझा रहा था तो समझा के सोल्व कर गए 5वां, तो 6ठा भूल गए, रात को सुबह वीडियो देखा तो पता लगा गायब है, तो अब आप ये 6ठे का सॉल्यूशन भी देख लो, आ जाओ भाई। देखो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन था ना कि 5वें में दोनों पुली फिक्स है, 6ठे में एक पुली वेरिएबल है, दोस्तों जैसे ही पुली वेरिएबल हो जाती है एक ही प्रश्न में ए भी अलग अलग हो सकता है, हो जाता है, त्वरण भी अलग अलग हो जाता है। लो मैं इसको करूं, देखो डियर ये इधर टेंशन, ये इधर टेंशन, टी बोलो हाँ ना, इधर टेंशन, इधर टेंशन, टी इधर टेंशन, इधर टेंशन, टी, देख लड़के इस पे टी टी कितना आ गया तेरे सामने, टू टी, बस ये ले, बस ये समझ ले, इस पे तो कितना है टू टी और इस पे कितना है टी, कॉमन सेंस की बात है, इसको ये अक्स अक्स खींचेगा तो दोस्तों ये अपने आप उस कितना खींच जाएगा, टू अक्स, तो अपन कह सकते हैं बी बॉडी यदि अक्स ऊपर जा रही है तो दोस्तों हमारी ए बॉडी है वो इतनी दूरी उतने समय में सॉरी टू अक्स नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, समय जब बराबर है तो इसकी दूरी दुगनी है, इसका त्वरण डबल है। दोस्तों यदि मैं इसको ए बी कहूं या छोड़ो नोट ए बी कहूं, यदि मैं इसको सिंपली ए कहूं तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू ए। आप ऐसे मान लो कि ए बी वैल्यू ए ए है तो ए ए की टू ए हो गया, पूरी बात समझ लो, ए त्वरण है, कैपिटल बॉडी का नाम है, बस ये आपके सामने हो गया, ये आपका अक्ष है तो ये आपका 2x, समझने के लिए यानी इसका अब यूं कह दो ये बॉडी ऊपर जा रही है तो ये बॉडी दोस्तों ऊपर जा रही है आपकी AB एक्सीलरेशन से, ये बॉडी आपकी नीचे आ रही है AA एक्सीलरेशन से, तो पूरी बात करेंगे और वो डबल है ये डिसाइड कर दिया मैंने, तो इस AB को मैं A से रिप्लेस कर दूं और ये AA को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, 2A से, लो जी अब ऐसे कर सकते हो। बस अब आप बनाओ दोस्तों अपनी इक्वेशन, तो आप इसकी इक्वेशन बनाए तो देखो 2T किधर है, ऊपर की ओर, कितना मामला ऊपर जा रहा है, टू टी ऊपर की ओर, माइनस एम जी, तो एम तो एक केजी है ना, जी इक्वल टू क्या होता है एम ए, तो एम तो एक केजी है और ए का मान क्या, ए, क्लियर। अब नीचे आ जाओ, ये दो नीचे आ रहा है तो क्या है टू जी, माइनस क्या है टी, इक्वल टू क्या है टू मल्टीप्लाई टू ए, और लड़के टू मल्टीप्लाई टू ए, अरे सुन भाई यहां पुली वेरिएबल है, पुली पुली गति करती है, पुली गति करती है तो ए भी अलग अलग हो जाता है, बस अब ले इसको देख ले तू भैया, 2t माइनस जी इक्वल टू ए, और ये तेरा 2g माइनस 2 इक्वल टू 4a, ठीक है। आप ऐसा करो, अब सब जानते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो गया 4g, ये 2t और ये क्या हो गया 8a, तो ये देख 2t 2t कैंसिल आउट है, ये तेरा कितना बच गया 3j इक्वल टू क्या, माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस करेंगे ना, सॉरी 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 माइनस जरूरत नहीं है, ये कट गया तो ये तेरा कितना बचा 3j
इक्वल टू क्या है 9a, तो दोस्तों a इक्वल टू आ गया जी बाई थ्री, बस a का जी बाई थ्री, तो ये जी बाई थ्री है तो वो दोस्तों टू जी बाई थ्री है, तो a बाई थ्री और टू जी बाई थ्री, तो पहले एक आएगा ना, तो टू जी बाई थ्री और जी बाई थ्री आपका आंसर आ गया। अरे पहले तो a की बॉडी है a और b, ओके थैंक यू, ओके डियर नमस्कार। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारे फिजिक्स पंच नाम का एक हमारा क्वेश्चन बैंक है जिसमें हमने 20 टॉपिक फिजिक्स के बना रखे हैं, इन पूरे सिलेबस के 20 टॉपिक बनाए और हर टॉपिक में 45 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। आज ये मेरा थर्ड टॉपिक सूट हो गया जिसका हेडिंग है एनएलएम और फ्रिक्शन, ओके डियर। तो ये थर्ड पंच आपके पास आ रहा है, मैं फिर से कहता हूँ 2013 से 2019 तक के फिजिक्स के प्रीवियस पेपर का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है, केमिस्ट्री का हो चुका है, बायो का होना स्टार्ट हो चुका है, कल हमारे सुनील सर की क्लास अपलोड हो चुकी है 7 मई को। अब मैं फिजिक्स पंच का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, उधर मेरी टीम में सुनील है, सर्वेश है, ललित है, वो सब लोग बायो के पेपर 2013 से लेकर 2019 तक को सूट कर रहे हैं। अगले 3 दिन में आपके पास नीट के 13 से 19 तक के सभी प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन आ जाएगा। अरे ये फिजिक्स पंच है, ये मेरा प्रोविज है, मई खत्म होते होते आपके पास दोस्तों सारा मैटर आ जाएगा, उसके बाद आपको कुछ मैटर और भी देंगे, ओके डियर। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, आप सब जानते हो लॉकडाउन के समय आपके अपने सीएलसी ने अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, एक क्रेश कोर्स स्टार्ट किया है जो 11 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। क्रेश कोर्स बहुत शानदार है इस बार, कि 75 दिन पहली बार दोस्तों मिल रहे हैं क्रेश कोर्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट मानता है कि 2020 का एग्जाम मेरे हाथ से जा चुका था, जो 2021 की तैयारी में लग गए थे, उनको एक मौका है क्रेश कोर्स, मात्र 75 दिन में आप अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर सकते हो कि 2020 को भी ठोक सकते हो। और बाकी दोस्तों जो लोग 2020 की तैयारी में बिल्कुल परफेक्शन मानते हैं वो अपना टेस्ट दे रहे हैं, आपके अपने सीएलसी ने clclive.in पे फ्री कर रखा प्लेटफॉर्म, हजारों हजारों क्वेश्चन वहाँ पढ़े आपसे, तो मैं इतना नहीं, clclive.in पे खेलना सीख लो आप लोग, तो एक यूजर नेम है, एक पासवर्ड है, यूजर नेम आपको सीएलसी रोल नंबर देगी, पासवर्ड आपका मोबाइल जिससे आप रजिस्टर्ड होते हो, ठीक है डियर। 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन, 11, 12 फाउंडेशन, टारगेट, IIT, मेडिकल, सबकी परफेक्टली प्रिपरेशन आपके अपने संस्था कराती है। और दोस्तों लॉकडाउन खुलने के बाद सारी क्लासें ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाएंगी, हाँ क्रेश कोर्स ऑनलाइन रहेगा लास्ट तक भाई, उसको ऑफलाइन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। थैंक यू, जय सीएलसी।